हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू कंपटीशन कम्युनिटी। एसएससी सीएचएसएल के इस यूट्यूब कोर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ और आप लोग देख पा रहे हैं कि आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। जहां तक हमारे इस लेक्चर की बात है, इस लेक्चर का जो पीडीएफ है शॉर्ट नोट्स वो आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा दिया जाएगा और इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको लिंक मिल जाएगा। अगर इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट आपको पूछना है तो आपको जो ग्रुप है दिया हुआ है टेलीग्राम में उसमें भी आप जुड़ सकते हैं, वहां से आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं। दोनों चीजें आपको टेलीग्राम चैनल के जो लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। जहां तक इस लेक्चर की बात है तो इस लेक्चर में हम दो वीडियोज में इसको हम कवर करेंगे, सिंप्लीफिकेशन को दो वीडियोज में। लेक्चर की अगर मैं बात करूं तो इसमें तीन पार्ट है। सिंप्लीफिकेशन के जो सवाल आपके एसएससी सीएचएसएल में आते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है जो वी बॉडमास के रूल से पूछा जाता है, ठीक है, बचपन में स्कूल्स में हम कभी ना कभी ये चीजें पढ़े हैं, ठीक है। और जहां तक सेकेंड सवाल है वो है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज से पूछा जाता है। इसकी प्रोबेबिलिटी कभी कभी कम है, यानी कि जो बीज गणित के आपके फॉर्मूलेज हैं, ठीक है, बीज गणित के जो फॉर्मूलाज हैं उसमें से कुछ सवाल बनते हैं सिंप्लीफिकेशन के, तो वो भी हम कवर करेंगे, ठीक है, इन दो वीडियोस में। तीसरा जो है वो आपका है फ्रैक्शन यानी भिन्न, फ्रैक्शन रिलेटेड, ठीक है, यानी भिन्न। तो तीनों टाइप के क्वेश्चन हम इसमें कवर करेंगे, ठीक। 25 में से एक सवाल जो है, एक सवाल आपका फिक्स्ड है आउट ऑफ 25, इसमें से एक सवाल आना कन्फर्म है, आता ही है एक सवाल, ठीक। सरलीकरण को सबसे पहले लेने का मकसद ये भी है कि मैथमेटिक्स में अगर प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है तो पहले क्या होना चाहिए, बाद में क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें हम जान लें और फिर हम आगे बढ़े कोई भी टॉपिक जो हमें लेना है उसमें, ठीक है। जो लोग मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है उनको भी ये सारी चीजें समझ में आएंगी। किसी किसी शिफ्ट में ये बहुत कैलकुलेटिव रहता है, एक मिनट से ज्यादा समय लगता है, तो आप ऐसे सवालों को आखिर में करिए। 25 सवाल में जो अगर आपको सिंप्लीफिकेशन का सवाल कैलकुलेटिव दिख रहा है पेपर में उसको आप लास्ट में करिए। पहले हमेशा यही हमारा प्रैक्टिस होना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा जो आसान सवाल है उसको फर्स्ट राउंड में एक बार कर लें, सेकेंड राउंड में जब 20 मिनट बचा है 25 मिनट बचा हुआ उसमें फिर सेकेंड राउंड में जो डिफिकल्ट क्वेश्चन जो नहीं बने हैं वो हमें करने चाहिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। सबसे पहली बात, हम जब सिंप्लीफिकेशन की बात कर रहे हैं तो मैंने बताया तीन पार्ट है। अब पहले हम स्टार्ट करेंगे वी बॉडमास के रूल से। वी बॉडमास का रूल क्या है, इसमें आप देख रहे हैं कि वी बी ओ डी एम ए एस, इसमें कुछ अक्षर्स हैं, लेटर्स हैं जो अरेंज किए हुए हैं। ये जो लेटर्स हैं ये हमें क्या बताते हैं, प्रायोरिटी बताता है कि पहले हमें क्या करना है, ठीक है। ये वी एक साइन बताता है, बी एक साइन बताता है, ओ एक साइन बताता है। तो सारी साइंस है, ये मैथमेटिकल साइंस के फर्स्ट लेटर्स हैं। इस प्रायोरिटी में हमें सॉल्व करना होता है, यानी इसके महत्व के हिसाब से हमें सिंप्लीफिकेशन के सवालों को सॉल्व करना पड़ता है। तो इन सभी अक्षरों का मतलब क्या है ये एक एक करके समझते हैं। जैसे कि मैंने बताया वी बॉडमास रिप्रेजेंट्स द ऑर्डर ऑफ कैलकुलेशन यानी ऑर्डर ऑफ साइन, ठीक है। अब वी का मतलब है विनिकुलम ब्रैकेट। विनिकुलम ब्रैकेट का मतलब क्या है समझिए, इसको हम बार ब्रैकेट के नाम से भी जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा है 2 × 3 + 5 के ऊपर मैंने विनिकुलम लगा के रखा हुआ है, तो कहीं भी आपको ये विनिकुलम लिखा तो विनिकुलम के नीचे जो साइन है यानी कि इस बार ब्रैकेट के नीचे जो साइन है सबसे पहला यही सॉल्व होता है, बाकी सारी चीजें सेकेंड नंबर पे सॉल्व होंगी उसके बाद। तो पहले आपको क्या करना है, तो 3 + 5 आप करोगे, 3 + 5 होता है 8 और उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आएगा आपका 16। क्लियर, सबसे पहले क्या करना है तो विनिकुलम करना है। विनिकुलम दिखता कैसा है तो इस तरीके से दिखता है, बार ब्रैकेट जिसके ऊपर लगा हो, तो 2 × 8 करोगे तो 16 इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका विनिकुलम। सेकेंड इसके बाद आता है ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब कोष्ठक। कोष्ठक और ब्रैकेट जो है ये भी तीन प्रकार के होते हैं, 3 types of brackets होते हैं। पहला होता है ओपन ब्रैकेट, दूसरा होता है कर्ली ब्रैकेट और तीसरा होता है स्क्वायर ब्रैकेट। तो ओपन ब्रैकेट की जो बात करें जिसको हम हिंदी में कहते हैं छोटा ब्रैकेट, ठीक है, ये आपका मछला ब्रैकेट कहलाया जाता है और ये आपका बड़ा ब्रैकेट। तो इसमें जो प्रायोरिटी है फर्स्ट नंबर पे ये आता है, सेकेंड नंबर पे इसका प्रायोरिटी है और तीसरे नंबर पे ये आता है, मतलब कि ब्रैकेट के अंदर भी प्रायोरिटी है, महत्व है।
सबसे पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, दूसरे नंबर पे आप इसको सॉल्व करेंगे और तीसरे नंबर पे इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर भी प्रायोरिटी है कि पहले किसको करना है, बाद में किसको करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपके ब्रैकेट की बात। विनिकुलम यानी बार ब्रैकेट के बाद नॉर्मल ब्रैकेट सॉल्व होते हैं जिसमें थ्री टाइप्स है, इसका प्रायोरिटी मैंने आपको बता दिया। अब O का मतलब क्या है, देखिए हम पहले आए V में, V का मतलब विनिकुलम, B का मतलब ब्रैकेट, अब O का मतलब होता है ऑफ का। कुल मिला के का मतलब कुछ और नहीं होता है, इसका मतलब होता है गुणा करना, मल्टीप्लाई करना, ठीक है। लेकिन जब प्रायोरिटी की बात होती है तो ऑफ पहले होता है और असली जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो बाद में होता है, ठीक है। तो इन तीनों को मैं एक साथ बताऊंगा, ओ डी एम। ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिविजन यानी विभाजन करना, M का मतलब मल्टीप्लीकेशन यानी गुणा करना। तो ये सारी चीजों से हम वाकिफ है कि D का मतलब होता है डिवाइड करना, D का मतलब है डिवाइड करना, और मल्टीप्लीकेशन का मतलब है गुणा करना। मतलब देखिए ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई करना होता है, डिवाइड का मतलब भी सॉरी मल्टीप्लीकेशन का मतलब भी गुणा करना होता है। तो दोनों का मतलब गुणा करना है, लेकिन प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई में यानी का विभाजन और गुणा में पहले ऑफ होता है यानी का, सेकेंड नंबर पे डिवीजन होता है यानी विभाजन, और लास्ट में आपका मल्टीप्लीकेशन होता है यानी गुणा करना। देखिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि मैं यहां पे लिखता हूं 64 डिवाइडेड बाय 8 ऑफ 8, और मैं यहां पे एक दूसरा एग्जांपल लिखता हूं 64 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 8। तो मैंने यहां पर ऑफ लिखा है जिसका मतलब है का, और नीचे मैंने लिखा है मल्टीप्लाई जिसका मतलब है मल्टीप्लाई करना, ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई करना ही होता है। लेकिन आप देखेंगे तो दोनों में आंसर आपका अलग आएगा। पहले वाले को सॉल्व करते हैं तो देखिए पहले आपका डिवाइड और ऑफ में ऑफ होता है, तो 8 इंटू 8 पहले करोगे तो ये बन जाएगा 64 बटे में आपका आ जाएगा 64 फिर से, ठीक है। अब जब भी आप इस तरीके का एक्सप्रेशन देखते हैं तो मैं यहां एक शॉर्ट ट्रिक आपको बता के रखता हूं कि इस तरीके के एक्सप्रेशन में आप 64 और आगे वाले 64 को गुणा करके 1/64 कर सकते हैं। मतलब डिवीजन के आगे जो है ना उसको आप मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो ये 1/64 हो जाता है, इससे आपका स्पीड बचेगा एग्जाम में। अब सॉल्व करोगे 64 कट गया, मतलब पहले वाले का जो उत्तर है वो क्या है तो 1 है। सेकेंड वाले एक्सप्रेशन की हम बात करते हैं, सेकेंड वाले एक्सप्रेशन की हम बात करें तो यहां पर डिवाइड और मल्टीप्लाई में पहले डिवाइड होता है बाद में मल्टीप्लाई होता है। ऑफ डिवाइड में पहले हमने ऑफ किया था, यहां डिवाइड पहले होगा मल्टीप्लाई बाद में होगा। तो जब डिवाइड करने आओगे तो मैंने कहा 64 इसको मल्टीप्लाइड बाय 1/8 कर सकते हैं और ये बाद में मल्टीप्लाई होता है 8 से। 8 से काटोगे तो 64 8 बन जाएगा, मतलब इसका वैल्यू 8 था 64/8। अब 8 × 8 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। अब आप समझिए यहां पर कि मल्टीप्लाई और ऑफ दोनों का मतलब सेम है। दोनों का मतलब क्या है, तो दोनों का मतलब ही मल्टीप्लाई करना है, लेकिन ऑफ पहले होता है जिसकी वजह से यहां पे उत्तर 1 आ रहा है, और यहां पे डिवाइड पहले होता है जिसकी वजह से उत्तर 64 आ रहा है। इतना बड़ा डिफरेंस है, ठीक। तो सबसे ज्यादा जो फंसाने वाला क्वेश्चन होता है एग्जाम में वो यही वाला होता है जिसमें आपका ओ डी एम यानी ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई, ये तीनों से बहुत सारे सवाल बनते हैं और इसमें आप गलतियां करके आते हैं एग्जाम में, कई बार ऑप्शन मैच ही नहीं करता। तो मैं यहां भरपूर प्रैक्टिस भी कराऊंगा आपको, कैसे फंसाता है एग्जाम में वो भी समझ लीजिए। एग्जाम में कुछ इस तरीके से फंसाया जाएगा आपको, यहां पर एक ब्रैकेट रहेगा, फिर एक डिवाइड होगा, फिर एक ब्रैकेट आएगा बड़ा सा, फिर आगे ऑफ आएगा, और उसके बाद फिर एक तीसरा ब्रैकेट आएगा यहाँ पे। तो होता क्या है कि हम यहां से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, यहां पे फिर आते हैं, और जब तक यहां पे आते हैं हम इसको डिवाइड कर चुके होते हैं क्योंकि बड़े बड़े एक्सप्रेशन रहते हैं एग्जाम में। और जब तक आप यहां पहुंचते हैं तो हम भूल ही जाते हैं कि इस डिवाइड और इस ऑफ में पहले ऑफ होना है बाद में डिवाइड होना है, ये चीज हम भूल ही जाते हैं। तो गलती यहीं पे होती है कि पहले आपको ये दोनों तीनों ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई पहले करना है, बाद में आपको इस डिवाइड करना है। इस प्रायोरिटी से आप करेंगे तो एग्जाम में कभी गलती नहीं होगी। मैं अभी आपको यहां पे समझा कर इसे रोकता हूं, अभी क्वेश्चंस आएगा वहां पे मैं ये चीजों को और डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रायोरिटी की बात करें तो ओ डी एम के बाद आता है ए एस, जिसका मतलब है एडिशन यानी जोड़ना, योगफल करना, और यहां पे सब्सट्रैक्शन मतलब घटाना, ठीक है। तो प्लस माइनस, तो ये सबसे नीचे मतलब कि डिक्रीजिंग प्रायोरिटी में है, मतलब ये सारे साइन एक साथ आपको मिल जाए तो पहले विनिकुलम होगा, फिर ब्रैकेट होगा, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, ऐड और सब्सट्रैक्शन। इस प्रायोरिटी में हमें सॉल्व करना है, घटते हुए क्रम में इसे हमने जमाया हुआ है। आई होप
इसका आपने नोट्स अपने नोटबुक में बनाया लिया होगा, और पूरा नोट्स का जो पीडीएफ है वो आपको जो हमने टेलीग्राम का चैनल दिया हुआ है वहां पे आपको मिल जाएगा आफ्टर दी लेक्चर। चलिए इसके बाद देखिए यहां पर सेकेंड चीज जो है वो है वी बॉड मास में अगर दो या मोर देन टू सेम प्रायोरिटी ऑपरेशन कम टूगेदर देन द प्रायोरिटी टू सॉल्व इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सेकेंड चीज आप ध्यान रखिए, यदि दो या दो से अधिक समान प्राथमिकता वाले गणितीय संक्रिय अगर एक साथ आ जाते हैं, मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन एक साथ आ जाते हैं, तो इन्हें हल करने की जो प्राथमिकता होती है वो बाएं से दाएं होती है, मतलब लेफ्ट टू राइट। कहने का मतलब अगर इस तरीके से ए डिवाइडेड बाय बी डिवाइडेड बाय सी डिवाइडेड बाय डी, इस तरीके का एक्सप्रेशन हमें मिल गया, तो ये भी डिविजन है, ये भी डिविजन है, ये भी डिविजन। अब आप बताइए कि पहले कौन सा डिविजन होगा, क्योंकि डिविजन तो डिविजन है, इसका कोई अलग अलग हमारा प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए, डिवीजन तो सारे इक्वल होता है। तो इस केस में आपको बाएं से दाएं सॉल्व करना है, मतलब यहां लेफ्ट से आप स्टार्ट करते हुए राइट साइड में जाएंगे। कहने का मतलब ए मल्टीप्लाइड बाय आप वन बाय बी, मतलब इसको पहले सॉल्व करेंगे, फिर आपको मल्टीप्लाइड बाय इसको हम वन बाय सी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय वन बाय बी, ठीक है। इस तरीके से पहले ये सॉल्व होगा, फिर ये सॉल्व होगा, फिर ये सॉल्व, इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है, क्लियर है। तो ये हो गया कुछ बातें वी बॉड मास की, थ्योरी पार्ट इतना ही है। अब हम सवाल के जरिए इसको समझते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है, वीडियो को एक बार आप यहां पे सॉल्व करने की जरूर कोशिश करिएगा, ऑप्शन आपके सामने 27, 28, 29 और 30, ठीक है। इसमें जब हम यहां पर सॉल्व कर रहे हैं तो मैंने यहां पर प्रायोरिटी लिखा हुआ है, ताकि आपके ध्यान में रहे कि प्रायोरिटी है तो क्या है। ये हमारा प्रायोरिटी है जो मैंने अभी अभी आपको समझाया, इस एग्जाम्पल में सारी चीजें हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहां पर आपसे प्रायोरिटी के बारे में डिस्कशन करूंगा, ताकि ये चीज जो मैंने अभी समझाई वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, बाद में हम सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। समझाने में, कॉन्सेप्ट समझाने में ही टाइम लगता है, सवाल सॉल्व करने में तो फटाफट हो जाता है। तो देखिए सबसे पहले देखिए विनिकुलम कहां है, ये विनिकुलम दिख रहा है, मतलब प्रायोरिटी में सबसे पहले ये सॉल्व होगा, पहला वाला 4-6 के ऊपर विनिकुलम जो लगा हुआ है। इसके बाद आपको देखना है ब्रैकेट, ब्रैकेट में एक स्क्वायर ब्रैकेट यहां से लेके यहां तक है, फिर एक मछला ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद एक स्मॉल ब्रैकेट है। तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होता है, ये हमको पता है, ये पहला, दूसरा और ये तीसरे नंबर पे सॉल्व होता है, ये भी हम जानते हैं। इसको मैं ब्लैक कलर में लिख लेता हूं, ये हमारा पहले नंबर पे सॉल्व होता है, दूसरे नंबर पे और ये तीसरे नंबर पे सॉल्व होता है, ये हम जानते हैं, ठीक। तो अगर यहां पे इस मछले ब्रैकेट की हम बात करें तो माइनस और मल्टीप्लाई, ये दो साइन बस बचे, क्योंकि ये जब सॉल्व करोगे तो यहां पर एक नंबर निकल के आएगा। अब मल्टीप्लाई और माइनस में पहले क्या होता है, तो मल्टीप्लाई होता है, मतलब इस पहले साइन को सॉल्व करने के बाद सेकेंड नंबर पे जो हमें सॉल्व करना है वो ये मल्टीप्लाई सॉल्व करना है, थर्ड नंबर पे ये वाला माइनस सॉल्व होगा। अब ये पूरी तरह से ब्रैकेट जो है इसके अंदर के साइन हमने सॉल्व कर, ये ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद अब देखिए कि अभी स्क्वायर ब्रैकेट पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुआ, यहां से लेकर यहां तक स्क्वायर ब्रैकेट चल रहा है, मतलब यहां से इन तीनों साइंस को सॉल्व करने के बाद एक और नंबर मिलेगा, संख्या मिलेगी हमें, उस संख्या को यहां पे हमें जोड़ना है, मतलब इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अभी तीन साइंस और है, क्या क्या है, तो डिवाइड है, ऑफ है और प्लस है। डिवाइड ऑफ प्लस में बताइए पहले क्या होता है, जाहिर सी बात है ये ऑफ पहले होता है, फिर डिवाइड आता है और लास्ट में आपका एडिशन आता है छठे नंबर पे, मतलब इन तीनों को सॉल्व करने के बाद आपको पहले ऑफ करना है, ये चौथे नंबर पे सॉल्व होगा, पांचवें नंबर पे ये सॉल्व होगा और छठे नंबर पे ये सॉल्व होगा, क्लियर है। तो इन छह ऑपरेशंस को सॉल्व करने के बाद हमारा ब्रैकेट जो है वो पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा। तो ये ब्रैकेट जैसे ही सॉल्व हुआ हम आएंगे बाहर, बाहर आने के बाद आप देखेंगे कि दो बार डिवाइड है और यहां पर कुछ भी साइन नहीं है, जहां पे कुछ भी साइन नहीं होता है वहां पे क्या होता है, तो मल्टीप्लाई होता है, मतलब कि वहां कुछ साइन नहीं है, डायरेक्टली ब्रैकेट आ गया, मतलब वहां पे आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, तो यहां पर हम मल्टीप्लाई डाल देते हैं क्योंकि कुछ साइन नहीं था। अब डिवाइड और मल्टीप्लाई में पहले क्या होता है, विभाजन करना और गुणा करने में पहले विभाजन करना होता है, तो दो दो विभाजन एक साथ थे, तो इन तीनों साइन में पहले लेफ्ट वाला विभाजन होगा, उसके बाद दाएं वाला विभाजन, और दोनों के दोनों डिवीजन होने के बाद, डिवाइड होने के बाद, यानी कि इन सिक्स के साइंस के बाद सेवेंथ नंबर पे ये आएगा, एट्थ नंबर पे ये आएगा और लास्ट पे ये नाइन्थ वाला नंबर आएगा, क्लियर। इस प्रायोरिटी से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर इसमें से सही आएगा, अगर आपने यहां पर प्रायोरिटी को चेंज किया तो आपका आंसर गलत आएगा, ठीक है। अब
इन सारी चीजों को स्टेप वाइज मैं एक बार यहां पे समझा देता हूं, ठीक है, फिर मैं आपको एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है, माइंड में कैसे सॉल्व करना है, ये सारी चीजें भी मैं आपको बताऊंगा। कम से कम पेन चलाने से ही हमारा ज्यादा से ज्यादा स्पीड बढ़ता है। तो देखिए मैंने जो प्रायोरिटी यहां पे लिखा है इस हिसाब से अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखिए 4 - 6 करोगे तो -2 आएगा, तो यहां मैंने -2 लिखा। पहले ऑपरेशन को सॉल्व करने पर क्या आया, तो -2 आया, बाकी सारी चीजें एज इट इज है। सेकेंड जो है हमने कहा था मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करना, तो 4 - -2 करोगे तो कितना होगा, -8 होगा, और -(-) का मतलब हो गया +8, तो यहां पे आपका +8 आ गया। दूसरा वाला सॉल्व हुआ, दूसरा सॉल्व होने के बाद तीसरा जो है ऑपरेशन यहां माइनस था जो कि अब प्लस बन चुका है क्योंकि -(-) मतलब थर्ड नंबर पे ये 20 में आपको यहां वाला वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना था जो कि -8 था, अब ये प्लस बन गया है। तो 20 + 8 इस तीसरे ऑपरेशन को सॉल्व करने पर यहां पे 28 आएगा, 28, तो यहां पर ये 28 आ गया। एक बार ये ब्रैकेट सॉल्व हुआ तो मैंने कहा कि यहां पर 28 आने वाला था नंबर, ये आ चुका है। इसके बाद डिवाइड ऑफ और प्लस में देखोगे तो ऑफ पहले आता है, डिवाइड बाद में आता है, और प्लस यहां पे आता है। तो देखिए तो ऑफ पहले आएगा यानी कि चौथा नंबर 11 * 7 करने पर 77 आएगा, फिर डिवाइड आएगा। देखिए आप लोग को मैंने पहले भी बताया था पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, मैं स्टेप वाइज समझा रहा हूं, एग्जाम में आपको स्टेप वाइज नहीं जाना है, ये केवल समझाने के पर्पज से, ठीक है। प्रैक्टिस होगा आपका, अच्छा खासा प्रैक्टिस होगा, तो थोड़ा सा पेशेंस जरूर रखिए। मैं यहां पर सवाल भी आपको प्रैक्टिस कराऊंगा क्योंकि देखिए बेसिक सी चीजें जो है वो हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। अब डिवाइड और प्लस में देखोगे तो पहले 5 आता है यानी पांचवें नंबर का डिवीजन पहले करना है, मतलब 77 डिवाइडेड बाय 77, बाद में प्लस होगा। तो 77 डिवाइडेड बाय 77 करोगे तो यहां पे 1 आएगा, 1 आ गया। अब 1 में प्लस 28 करोगे तो यहां पे 29 आएगा जो कि आपके 6th नंबर का ऑपरेशन था। तो इस स्क्वायर ब्रैकेट में जितनी सारी चीजें लिखी गई थी उसका एक नंबर जो निकल के आया वो आया 29। फिर मैंने कहा आपको ब्रैकेट से बाहर निकलना है तो डिवाइड पहले होगा बाद में मल्टीप्लाई, तो उस डिवीजन में भी मैंने कहा कि पहले 7वां ये वाला नंबर का डिवीजन होगा, इसको डिवाइड करने का मतलब है। अब देखिए ये 11 का क्यूब है, ये 11 का स्क्वायर है और डिवाइडेड बाय 11, यही चल रहा है। ये क्यूब्स और स्क्वायर्स हमने पिछले वीडियोस में देखा था, 11 के क्यूब में 11 के स्क्वायर को डिवाइड करोगे तो इसका पूरा वैल्यू क्या आएगा, ये तो 11 बन जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये 11 हो जाएगा मतलब 6th के बाद इसको सॉल्व करने पर नेक्स्ट आपका यहां पर आ गया 11। अब ये वाला डिवीजन और यहां पे एक आपका मल्टीप्लीकेशन है, इसको सॉल्व करेंगे तो पहले डिवाइड सॉल्व होता है तो यहां 1 आ गया, और लास्ट में आपको 1 * 29 करना है जो कि आपका 29 का आंसर देगा, ठीक है। 29 जो है ये हमारा, तो ये काफी बेसिक्स है, मैंने धीरे धीरे करके समझाया ताकि सभी लोगों को समझ में आए। एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है तो वो भी समझ के रखिए। एग्जाम में आपको मेंटली जो आपका सीक्वेंस है वो आपको पता रहना चाहिए, ठीक। सीक्वेंस एक बार मेंटली हमने कर लिया, ब्रैकेट में मैंने बताया था पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे होता है, तो मेंटली जो मैंने अभी सीक्वेंस बताया वो आपके माइंड में चलना चाहिए। अब देखिए एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है, तो पहले आप विनिकुलम देखेंगे सब में, तो यहां पर ये -2 इसका वैल्यू हो गया। फिर ब्रैकेट देखा हमने, इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई पहले होना चाहिए, मतलब यहां तक का जो वैल्यू है ये बन जाएगा +8। इसी तरीके से हमें सॉल्व करना है। अब इसमें 20 जोड़ना था तो 20 जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा आपका 28। तो ये प्लस के आगे वाला जो चीजें चल रही है ब्रैकेट के अंदर, यहां प्लस से लेकर इस ब्रैकेट तक जो है इसका वैल्यू मैंने यहां लिख दिया 28। लेकिन ब्रैकेट अभी खत्म नहीं हुआ, ये स्क्वायर ब्रैकेट अभी भी चल रहा है, तो इस ब्रैकेट के अंदर बाकी चीजें क्या थी, तो ये 77 / 11 ऑफ 7 था। तो पहले आपको 11 * 7 करना होगा, का पहले होता है तो इसको गुणा करोगे तो ये 77 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय यहां पे 77 है, मतलब कि इसको काटने पर ये 1 बन गया, और 1 + 28 करोगे तो इस ब्रैकेट के अंदर 29 आ गया, मतलब कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट था यहां से लेकर यहां तक जो वैल्यू है वो 29 आ गया। तो पेन हमको केवल इतना ही चलाना है एग्जाम में, ठीक। इसके बाद यहां पर डिवाइड करोगे तो ये 133 और ये कटेगा तो 11 आएगा, 1331 / 121। फिर यहां पे मल्टीप्लाई है तो डिवाइड और मल्टीप्लाई में 11 / 11 करोगे तो 1 आएगा, मतलब डायरेक्टली 1 * 29 करना है क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जो वैल्यू है वो 1 था, तो आंसर आपका 29 आएगा, ठीक है। तो मैंने स्टेप वाइज आपको समझाया कैसे सॉल्व करना है और एग्जाम में आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैंने जो वी बॉन्ड मास का आपको रूल सिखाया है
उस रूल में प्रायोरिटी कैसे होता है, कैसे हमें प्रायोरिटी देखना है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेंगे प्रैक्टिस के लिए, ताकि जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा है इसका अच्छा खासा प्रैक्टिस हो, ठीक है। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं, आपके स्क्रीन के ऊपर है, यहां पर 61/3/5 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट यहां से चालू है 40/2/5 27/1/3 -78/3/1/3 ये हमें सॉल्व करना है। तो सारी चीजें आप मेंटली यहां पर सोचने की कोशिश करिए कि सबसे पहले हमारा यहां पर जो प्रायोरिटी है उसमें ब्रैकेट आना चाहिए, उसमें भी स्क्वायर ब्रैकेट एक है और एक यहां पर छोटा ब्रैकेट है, तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व होता है। इस छोटे ब्रैकेट की बात करते हैं तो यहां पे 78/3/1/3 है, तो 3/1/3 का मतलब होता है 3 × 3 करना, 3 × 3 = 9, ठीक है, प्लस का 1/3 यही होता है। मतलब कि इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, तो 10/3 लिख सकते हैं यहां पर, और क्योंकि डिवाइडेड के बाद ही वाला वैल्यू था तो आप जानते हैं कि इसको हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके इस 10/3 को उल्टा लिख सकते हैं, जो कि क्या है 3/10। 2 से काटोगे तो ये 39 बनेगा, इसको 2 से काटोगे तो 5 बनेगा, मतलब ये टोटल कितना हो गया, तो ये बन जाएगा 117/5। कैसे मैंने लिख दिया फटाफट, 40 में एक कम है तो 40 × 3 तो 120 होता है, तो उसमें 3 माइनस कर देंगे तो 117 आ जाएगा। मतलब कुल मिला के ये वाला जो ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है वो क्या है, माइनस का 117/5, इतना ही हमें लिखना है, ठीक। सेकेंड चीज देखते हैं इसके बाद, माइनस के बाहर क्या है, तो माइनस के बाहर यहां पर डिवाइड है और प्लस यहां पे का है, तो सबसे पहले ऑफ होता है, इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 10, और 40 को 10 से काटने पर यहां पर 4 का वैल्यू आएगा, मतलब इस प्लस से इस माइनस के बीच में जो वैल्यू था, और यहां जो ब्रैकेट लगे हुए हैं इन दोनों को ऐसे लिख लेते, ये वाला ब्रैकेट से ये वाला ब्रैकेट, इसको सॉल्व किया तो वैल्यू इतना आया था, यहां से हमने 40/10 को सॉल्व किया तो यहां पे 4 आया। अब इस प्लस और माइनस के बीच में जो चीज चल रही है वो यहां पे आएगी, प्लस और माइनस के बीच जो वैल्यू चल रही है वो है 27/1/3, तो इसको जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे तो 27/1/3 का 3 ऊपर चला जाएगा, मतलब यहां 81 आएगा। मतलब कुल मिला के इसको यदि हम सॉल्व करें तो 81+4 हो जाएगा 85, और माइनस में आपका वैल्यू आ रहा है 117/5। इसको ब्रैकेट को जब सॉल्व करते हैं तो यहां पर 5 ऊपर आएगा, तो एलसीएम नीचे 5 हो जाएगा, तो 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 425 आएगा, माइनस का 117, ठीक है। 117 अगर 25 में से माइनस करोगे तो 8 आता है, 17 25 माइनस 17 और 1 माइनस करने पर 3 आता है, मतलब ये हो गया 308/5, सॉरी ये 4 नहीं है, नीचे 5 है, ठीक है। तो टोटल जो ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट, इसका वैल्यू हमने निकाल दिया, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं कि इस डिवीजन के आगे, इस डिवीजन के आगे जो वैल्यू है वो है 308/5, ठीक है। डिवीजन के पहले क्या है, तो 61/3/5 है, 61/3/5 मतलब 5 नीचे आएगा ऊपर आ जाएगा, 5 × 61, 61 × 5 प्लस 3 यही होगा। अब इसका वैल्यू बताइए क्या होता है, इसको हमें लिखना नहीं है, अगेन मैंने इसको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है, 5 × 5 × 61 + 3 यही होता है इसका वैल्यू, तो 5 × इतना करोगे तो 305 प्लस 3 करोगे तो 308 आ रहा है, मतलब हमें 308/5 डिवाइडेड बाय 308/5 करना है, तो कुल मिला के होगा क्या, ये दोनों कट जाएंगे और उत्तर हमारा 1 आएगा, ठीक। तो पहला वाला जो सवाल हमने लिया इसका उत्तर है डी ऑप्शन। आई होप ये जो स्टेप वाइज मैंने एक्सप्लेन किया है इसका एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसी प्रकार से हमें प्रायोरिटी डिसाइड करना है वी बॉड मास का, और उसके बाद ही हमें सारी सवालों को लगाना है। चलिए कुछ सवाल और देखते हैं, सवाल नंबर 2, दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर है, यहां पे एक डिवीजन लगा हुआ है और ऊपर कुछ एक्सप्रेशन है नीचे कुछ एक्सप्रेशन। तो डिवीजन जब लगा हुआ रहता है तो एक इनविजिबल ब्रैकेट रहता है ऐसा, जो दिखाया नहीं गया लेकिन वो है, मतलब इस पूरे को अलग से सॉल्व करना है, इस पूरे को अलग से सॉल्व करना है और लास्ट में आपको डिवाइड करना है, ठीक है। तो प्रायोरिटी अपने आप बन जाती है जब एक डिवीजन में ऊपर नीचे कुछ वैल्यूज होते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो डिवीजन के ऊपर जो वैल्यूज चल रहे हैं वो यहां आएगा, नीचे जो चल रहे हैं वो नीचे आएगा। ऊपर देखा जाए तो माइनस, डिवाइड और मल्टीप्लाई है, तो माइनस के पहले क्या था, तो माइनस के पहले था
3 2 by 3 मतलब 3 3 9 प्लस 2 करोगे 11 by 3 आएगा। 5 7 by 9 का मतलब होता है 9 × 5 हो गया 45, 45 प्लस 7 करोगे तो 52 आएगा, 52 by 9। और यहां डिवीजन है तो मैंने कहा डिवीजन को आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके आगे वाला जो नंबर है उसको उल्टा कर सकते हैं। और इसके बाद एक और मल्टीप्लीकेशन था, इसमें था 1 2/13, 1 2/13 मतलब 13 + 2 मतलब 15/13 ये आएगा। ठीक, तो ये हो गया न्यूमरेटर में यानी हर में जो चल रहा है उसका मान। जब भी ऑफ और डिवाइड होता है यहां गलती होने के चांस कम होते, लेकिन जब डिवाइड के बाद फिर ऑफ आता है, लेफ्ट में डिवाइड और राइट में ऑफ, वहां गलती होने के चांस होती है। मैं वो वाला सवाल भी कराऊंगा। ठीक है, तो यहां से 2/3 ऑफ है, इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 1/3 मतलब 3 + 1 होगा तो 4 आ जाएगा, 4/3। और डिवाइड के बाद 1/3 है तो इसको मल्टीप्लाई में हम 3 कर सकते हैं। बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए, बताइए उत्तर कितना आएगा। देखिए ये डिवाइड वाला चीज पहले होना चाहिए, तो इसको काटेंगे तो 3 बार कटेगा, फिर मल्टीप्लाई होता है तो इसका मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए, 13 से काटोगे इसको 4 बार जाएगा, इसे 3 से काटेंगे तो ये 5 बार जाएगा। ठीक, डिनोमिनेटर की बात करते हैं तो ये 3 इस 3 को काट लेगा, तो यहां पर कुछ वैल्यूज आ रहे हैं, इसको सॉल्व करने की आप कोशिश करते हैं। 11/3 माइनस का 4 5 यानी 20 और बटे में नीचे यहां पर है, तो 2 × 4/3 करोगे तो यहां पे नीचे आ जाएगा 8/3। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 11 माइनस नीचे एलसीएम यहां 3 आएगा, ऊपर 60 आ जाएगा, मतलब 11 - 60/3 बन जाएगा। और नीचे जो डिवीजन है मैंने आपको यहां पर बता के रखा हुआ है, डिवीजन के आगे जो वैल्यू होता है मल्टीप्लीकेशन में रिवर्स हो जाता है, तो ये भी तो एक डिवीजन ही है। डिवीजन में इतना हम डिवाइड कर रहे हैं मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो ये कहीं ना कहीं 8/3 से 3/8 बन जाएगा, तो ये 3 और 3 कट गया। 60 में से 11 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 60 में से 11 माइनस करने पर 49 आएगा, क्योंकि 60 बड़ा है तो माइनस का 49 हमें लिखना होगा, बटे में 8 आएगा, मतलब 49/8। अब बताइए 8 से अगर 49 को काटोगे तो 8 × 6 यानी 8 6 = 48 होता है, तो 6 तो पूरी तरह से कट जाएगा, रिमाइंडर आपका 8 1 बचेगा, मतलब 6 1/8 इज द करेक्ट आंसर, सी जो है इस सवाल का सही उत्तर होगा। ठीक है, तो ये अगेन एक वी बॉड मास का अच्छा खासा एप्लीकेशन वाला सवाल है जो आपके एग्जाम में आया हुआ है, आगे आने के चांसेस भी रखता है इस तरीके के सवाल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखेंगे जिससे हमारा जो है ये सारी जो कैलकुलेशन हम देख रहे हैं वी बॉड मास का, ये अच्छे से आपको क्लियर रहे। ठीक है, तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, 9/15 ऑफ 2/3 डिवाइडेड बाय 2/3 ऑफ 3/2 डिवाइडेड बाय, फिर एक ब्रैकेट है ऑफ, एक ब्रैकेट है। तो इन सभी ब्रैकेट्स में मैंने आपको बता के रखा है कि ब्रैकेट्स सबसे पहले सॉल्व होता है, बाद में फिर जो भी चीजें आती हैं वो बाद में आती है। मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया था कि एग्जामिनर आपसे यहां पे कुछ ब्रैकेट देगा, डिवाइड देगा, फिर ऑफ देगा, सॉरी यहां पर एक और ब्रैकेट आपको देगा और फिर यहां पर ऑफ करने के बाद एक और ब्रैकेट देगा। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो कुछ इसी तरीके का डिजाइन है, यहां पर एक ब्रैकेट डिवाइड, यहां पर एक ब्रैकेट ऑफ, फिर यहां पर एक ब्रैकेट। तो जब तक आप यहां तक सॉल्व करने के बाद आप पहुंचते हैं तब तक आप भूल जाते हैं कि डिवाइड और ऑफ में पहले ऑफ होता है, मतलब इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई पहले करना है और बाद में आपको डिवाइड करना है। क्लियर हो रहा है? तो हम क्या करेंगे, तीनों ब्रैकेट्स को एक साथ सॉल्व कर लेते हैं ताकि, और ब्रैकेट को खोलना नहीं है, लास्ट में ब्रैकेट्स को खोला जाएगा। ठीक है, तो इसको हम यहां पर 9/15 ऐसा लिख लेते हैं ऑफ, यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2/3 2/3 है और डिवीजन है, यहां पे ऑफ है तो पहले ऑफ होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2/3 है या 3/2 है, दोनों कट के 1 बनाएंगे, मतलब इस ब्रैकेट का जो वैल्यू है 2/3 है। ऑफ के बाद ये जो डिवाइड आया इसको लिख लेते हैं, डिवाइड के बाद जो अगला ब्रैकेट है इसको पहले सॉल्व करेंगे। इस ब्रैकेट में आप देखिए क्या चल रहा है, 3/4 ऑफ 3/4 है, डिवीजन का साइन है और मल्टीप्लाई है, तो डिवाइड ऑफ और मल्टीप्लाई में पहले ऑफ होता है, 3/4 और 4/3 का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 4/3 3/4 कट जाएगा, 3/4 × 3/4 करेंगे तो 9/16 यहां पे आएगा। ऑफ के बाद यहां पर एक ब्रैकेट बना हुआ है, ठीक है, इस ब्रैकेट की बात कर लेते हैं। अब यहां पे डिवाइड है, मल्टीप्लाई है और ऑफ है, डिवाइड मल्टीप्लाई ऑफ में क्या होता है तो पहले ऑफ होता है, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई पहले करना होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 8/25। ठीक, तो इसका वैल्यू आ गया। अब डिवाइड पहले होगा तो यहां पर मैंने आपको बता के रखा है कि 5/4 का
जब डिवीजन करोगे एक नंबर से तो मल्टीप्लाई में इसको 2/5 लिखा जा सकता है, ठीक। और इसका वैल्यू हमने निकाल दिया जो कि क्या है 8/25, तो इसको मैं अलग से यहां पे 8/25 लिख लेता हूं, जो इन दोनों वैल्यूज का मान है। अब इसको आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड वाले ब्रैकेट का वैल्यू बताइए क्या आ रहा है, तो 5 से ये 5 कट जाएगा, 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, 4 कट जाएगा, 2 से ये वाले 8 को काटोगे तो यहां पर 4 आएगा, मतलब 4/25 इसका वैल्यू होगा, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहां पर एक ऑफ दिख रहा है, यहां पर एक ऑफ दिख रहा है, तो ऑफ और ऑफ को पहले करेंगे, लास्ट में इस डिवाइड के पास आएंगे, ठीक। तो इस प्रायोरिटी से अगर हम सॉल्व करते हैं तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई करना, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 से इस 3 को काटेंगे, चलिए पेन का कलर पहले चेंज कर लेते हैं, इस 3 से इस 9 को काटोगे तो यहां पे 3 आएगा, मतलब कुल मिला के इस 3 से काटोगे यहां 5 आ गया, मतलब इस डिवाइड के पहले जो वैल्यू है वो है 2/5, ठीक है। और डिवाइड के आगे क्या है, तो इसका मल्टीप्लीकेशन है, इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 16 को काट देगा 4 बार, मतलब इस डिविजन के आगे जो वैल्यू है वो है 9/100। और मैंने कई बार बताया कि डिविजन के आगे कुछ वैल्यू है तो इसको आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर सकते हैं, यहां पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और आगे वाला जो वैल्यू है इसको रिवर्स करना होगा, तो ये बन जाएगा 100/9, ठीक है। तो अगर मैं इसे काटूं 5 से तो ये 20 बनेगा, 20 × 2 होता है 40, तो 40/9 जो है इसका उत्तर हो जाएगा, 40/9 इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया नॉर्मल तरीके से इसको सॉल्व करना वी बॉट मास से, ठीक है। अब इसमें शॉर्ट ट्रिक यदि आपको सीखना है तो शॉर्ट ट्रिक क्या है उसको भी मैं आपको बता देता हूं। ये शॉर्ट ट्रिक कहां लगता है, तो शॉर्ट ट्रिक लगता है किस सवाल में जिसमें ऑफ डिवाइड और मल्टीप्लाई केवल यही 3 साइन हो, वहां पे आप इस शॉर्ट ट्रिक को लगा सकते हो, मेंटली कैलकुलेशन करना होगा आपको ऑफ डिवाइड और मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो 40/9 आंसर तो आ गया, अब शॉर्ट ट्रिक क्या है उसको भी समझ लेते हैं। आपको बस ध्यान ये रखना है कि ऑफ पहले आता है, डिवाइड बाद में आता है, मल्टीप्लाई इसके बाद आता है। तो ऑफ डिवाइड और मल्टीप्लाई वाले का शॉर्ट ट्रिक ये है कि सारी चीजों को हमें एक साथ लिखना है, जितने भी साइन है उसको हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते जाएंगे। कैसे, क्योंकि डिवाइड के बाद अगर मैंने ए लिखा हुआ है या यहां पर बी डिवाइडेड बाय ए है तो इसको बी मल्टीप्लाइड बाय 1/a कर सकते हैं, ये बात हम जानते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो यहां से स्टार्ट करते हैं, ये बन जाएगा 9/15। ऑफ है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो ये 2/3 होगा। डिवाइड का मतलब आगे वाले वैल्यू को रिवर्स करना, मतलब ये 3/2 होगा, और ये डिवीजन इस पे भी एप्लीकेबल है क्योंकि ऑफ पहले होता है, तो ये 2/3 हो जाएगा। अब इस डिवीजन को मल्टीप्लाई में करने का मतलब है कि ये डिवीजन सभी नंबर्स पे एप्लीकेबल है, यानी इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी वैल्यूज दिख रहे हैं उन्हीं सभी पे, तो ये दोनों को रिवर्स कर देगा, ये भी 4/3 हो जाएगा और अगला वैल्यू जो है ये भी 4/3 हो जाएगा, ठीक। अब ये डिवीजन, इस डिवीजन से जब आप इसको अंदर लेकर जाएंगे तो डिवीजन और डिवीजन एक दूसरे को काट देंगे, मतलब पहले डिवीजन में रिवर्स हुआ, अगले डिवीजन में फिर से रिवर्स हो गया, मतलब ये वाला जो वैल्यू है 3/4 और 4/3 ये एज इट इज रहने वाला है, मतलब इसको मैं लिख सकता हूं 3/4 × 4/3, ठीक। अब ऑफ आ गया तो बात समझिए यहां पर कि ये डिवीजन जो है केवल इस ब्रैकेट पे नहीं, ये डिवीजन इस ब्रैकेट पे भी एप्लीकेबल है, क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट में जो वैल्यू आया उसका मल्टीप्लीकेशन पहले होगा बाद में डिवाइड लगेगा, तो इस डिवीजन को इसमें भी लगाना है, मतलब डिवाइडेड बाय ये वैल्यू है तो मैं यहां मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूंगा, तो पहला वैल्यू तो 4/5 होगा, दूसरा वैल्यू क्योंकि डिवीजन था तो डिवीजन का डिवीजन यानी एज इट इज 5/2 आएगा, तीसरा वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में था तो इसका वैल्यू रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स होने का मतलब है 5/2 आ जाएगा, ऑफ में था तो इसका वैल्यू भी रिवर्स हो जाएगा यानी मल्टीप्लीकेशन में तो 5/4 हो जाएगा। तो अब ये सारी वैल्यूज को हमने मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर दिया, अब लेफ्ट टू राइट आप सारे वैल्यूज देखते जाइए क्या कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करते चलेंगे, 9 कैंसिल हो जाएगा इन दोनों 3 से, नीचे 15 है तो 15 इस 3 से और आगे वाले इस 5 से कट जाएगा, ये 2 इस 2 से कट जाएगा, इस 2 को हम आगे वाले किसी 2 से इस 2 से काट लेते हैं, ये जो 4/3 है इस 3/4 से कट जाएगा, ठीक है। ये जो 4 है ये आखिर वाले 4 से कट जाएगा, और यहां पर जो 2 है या ये 5 इस 5 से कट जाएगा, और ये 2 जो है इस 4 को 2 टाइम्स काट लेगा। तो वैल्यूज क्या क्या बचे हैं उसको एक बार देखिए, नीचे देखोगे तो 3 × 3 बचा हुआ है जो कि 9 है, और यहां पे 2 × 4 × 5 है तो यहां पर आप इसको 40 लिख सकते हैं, ठीक। तो देखिए हर शॉर्ट ट्रिक को कहां अप्लाई करना है ये सीखना जरूरी है शॉर्ट ट्रिक को सीखने से पहले। तो मैंने आपको बताया कहां अप्लाई करना है, तो जहां आपको ऑफ दिख रहा है, डिवीजन दिख रहा है और मल्टीप्लाई दिख रहा है, ये तीन
इसका प्रायोरिटी होता है पहले ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई। जब भी आपको ये तीनों के ऊपर बेस्ड सवाल दिख रहा है तो आप ये अप्रोच के जरिए मल्टीप्लीकेशन में सारी चीजों को कन्वर्ट करके फटाफट कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, एक बार इसको सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करिए। यहां पर आप देख रहे हैं ऑफ है, डिवाइड है, ऑफ है, डिवाइड है, ऑफ है, और ऑफ, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सारी चीजें जो है डिवाइड और ऑफ में चल रही है। तो मैं यहां पर सारी चीजों को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके बताऊंगा। तो देखिए 8/9 है, ऑफ है यानी मल्टीप्लाई, ये आपका क्या हो जाएगा, तो 5, 4 = 20 प्लस 1 करोगे तो 21/4 होगा। मल्टीप्लाई में इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये एक्चुअली तो 8/6 + 1 यानी कि 7/3 है, लेकिन क्योंकि डिवीजन है इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे तो 3/7 आएगा। और दूसरी बात, यहां पे ऑफ पहले होता है मतलब इस डिवाइड को इसमें भी लगाना होगा तो मल्टीप्लाइड बाय 1/4 होगा। ठीक, इसके बाद डिवाइड है, तो डिवाइड का मतलब अगर मैं इसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूं तो ये 1/8 बन जाएगा। डिवाइड का डिवाइड मतलब रिवर्सल नहीं होगा, 2/3 होगा। और ये ऑफ है मतलब ये डिवाइड जो है इस पे भी एप्लीकेबल है क्योंकि ऑफ पहले होता है, और बाहर एक और डिवाइड है मतलब ये 4/5 एज इट इज का एज इट इज रहेगा। अब ऑफ आ गया मतलब पहले इन ये ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट और थर्ड ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है, बाद में इस डिवाइड को वहां पे लेके जाना है, मतलब एज इट इज आप मल्टीप्लीकेशन को रखेंगे और इस डिवाइड को इसमें भी अप्लाई करेंगे। तो डिवाइड अप्लाई करने का मतलब ये 1/8 होगा और ये जो 2/3 है ये 3/2 होगा, और जो 4/5 है वो डिविजन के आगे था तो एज इट इज रहेगा क्योंकि दो बार डिवाइड करने पर एक बार रिवर्स होगा और सेकेंड टाइम रिवर्स होने पर फिर से ये वैल्यू आएगा। अब इसको एक बार में कैसे सॉल्व करना है, देखिए यहां से 8 था तो 8 को 8 से काट लेते हैं। ये 9 मुझे दिख रहा है, इस 9 को मैं किससे काट सकता हूं, तो ये 3 दिख रहा है एक, और आगे एक 3 दिख रहा है, इससे कट जाएगा। 21 दिख रहा है तो इस 7 को और इस 3 से काट कट जाएगा। 4 दिख रहा है तो ये 4 जो है इस 4 से कट जाएगा। ठीक है, अगला जो 4 है वो आखिर वाले इस 4 से काट लेते हैं, ये 4 कट जाएगा। ठीक है, ये जो 2 है इस 2 से कट जाएगा। तो बचा क्या, तो केवल यहां पे 8 बचा और 5 × 5 यानी 25 × 8 करोगे तो डिनोमिनेटर में आपका आ जाएगा 200, न्यूमरेटर में आपका आएगा 1। तो डी जो है सवाल का सही उत्तर है। क्लियर है, तो डिवाइड, मल्टीप्लाई और ऑफ जो है उसको आप फटाफट कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो सारी चीजों को एक साथ अरेंज करके आप एक बार में सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, चलिए नॉर्मल तरीका क्या होगा, तो नॉर्मल तरीका यही होगा कि आप पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करिए, इसका उत्तर निकालिए, इस ब्रैकेट को सॉल्व करिए इसका उत्तर निकालिए, इस ब्रैकेट को सॉल्व करिए इसका उत्तर निकालिए। अब पहले ऑफ है तो इन दोनों का ऑफ होगा, फिर इन दोनों का ऑफ होगा, बाद में लास्ट में डिवाइड होगा, तो आंसर आपका यही आना चाहिए। ठीक है, तो एक और सेम पैटर्न का सवाल लेने का मकसद यही था कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो, आप इस चीज का प्रैक्टिस कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अब देखिए यहां पर प्लस भी आ गया तो अब हमको बेसिक से ही करना होगा। प्रायोरिटी को याद रखिए कि सबसे पहले ब्रैकेट होता है, विनिकुलम ब्रैकेट, उसमें भी सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट होता है, तो यहीं से स्टार्ट करना होगा। इस ब्रैकेट का वैल्यू क्या होगा, तो 6 होगा। सेकेंड आपको आना पड़ेगा इस ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट में यहां पर मल्टीप्लाई है और डिवाइड है, तो डिवाइड के आगे अगर कुछ वैल्यू है तो उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर सकते हैं 1/6 के जरिए से रिवर्स करके। तो ये 12 है और ये 6 है, इसको काटोगे तो 2 आ गया, मतलब ये जो कर्ली ब्रैकेट है, इस कर्ली ब्रैकेट में मछले वाले ब्रैकेट के बीच में जो है वैल्यू वो 2 है। ठीक, तो मैंने इस पूरे एक्सप्रेशन का यहां से लेकर यहां तक जो वैल्यू है उसको मैंने बता दिया कि ये क्या है, 2 है। एग्जाम में इतना ही करना है, मतलब यहां से लेकर यहां तक जो वैल्यू है इसको हम 2 से रिप्लेस कर सकते हैं। अब देखिए क्या बचा, एक ब्रैकेट यहां पर बचा हुआ है, एक ब्रैकेट आगे बचा हुआ है। तो इस वाले ब्रैकेट की अगर बात करते हैं तो ये स्क्वायर ब्रैकेट है, वहां पर आपका कर्ली ब्रैकेट है, तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं और लास्ट में हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। बाकी आप ऐसे भी देख सकते हैं यहां पर इस ब्रैकेट का वैल्यू क्या आ रहा है, तो ये हो जाएगा 3 / 4 × 2 मतलब 8, मतलब कि इसको रिवर्स करके हम 1/8 में मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3/8। स्क्वायर ब्रैकेट का वैल्यू हमने निकाल दिया, तो स्क्वायर ब्रैकेट यहां से स्टार्ट होकर यहां तक गया। डिवीजन के आगे जो है ये आपका कर्ली ब्रैकेट है, इसका वैल्यू बताइए क्या होगा, का पहले होता है, डिवाइड बाद में होता है, तो 4 × 8 करोगे तो कितना आएगा, ये बन जाएगा 32। 2 / 32 है मतलब 2 × 1/32 मतलब ये हो जाएगा 1/16। ठीक, तो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 1/16 आ गया। डिवीजन इस ब्रैकेट के बाहर आते हैं
तो यहां मल्टीप्लाई है, ऑफ है और डिवाइड है। तो आप जानते हैं पहले ऑफ होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आएगा, मतलब 16 डिवाइडेड बाय 16 करना है हमें, तो ये तो 1 ही हुआ। मतलब इस ब्रैकेट के बाहर जो वैल्यू है वो है 1। ठीक, तो लास्ट स्टेप बचा हुआ है, यहां 1 आ गया। इसके बाद यहां पर 3/8 है, डिवाइड के आगे कुछ वैल्यू है तो मल्टीप्लाई में इसको रिवर्स कर सकते हैं। 8 से काटोगे तो 2 आ रहा है, 3 2 हो जाएगा आपका 6। ठीक, तो आशा करता हूं आपका आंसर भी 6 ही आया होगा। इसी तरीके से हमें वी बॉड मास के क्वेश्चंस करने हैं। कुछ और सवाल लेते हैं ताकि आपका अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाए इस टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो अब सारे सवाल जो है वो अब प्रैक्टिस के तौर पे रहेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट इतना ही है। वैल्यूज तो इनफाइनाइट है, तो मैथ्स का कोई अंत नहीं है। जितने वैल्यूज आप चेंज करके जितने भी क्वेश्चन बना सकते हैं, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता है। तो कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया। आई होप कि अब आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे कि वी बॉड मास का जो सीक्वेंस होता है किस तरीके से हमें सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करना है, कैसे यूज करना है। ठीक, चलिए अब इस सवाल को देखिए, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। यहां पर आपके स्क्रीन के ऊपर है, तो ब्रैकेट यहां भी है, ब्रैकेट यहां भी है। पहले इस ब्रैकेट को देखिए क्या है, 6 डिवाइडेड बाय 36 है इस ब्रैकेट के अंदर। तो 36 का मतलब मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करोगे तो 1/36 हो जाएगा, मतलब इसका वैल्यू है 1/6। जो स्मॉल ब्रैकेट है, छोटा ब्रैकेट है, इसका वैल्यू 1/6 है, और इस 1/6 के जस्ट बाहर यहां मल्टीप्लाइड बाय 6 भी तो है। मतलब अगर मैं इस ब्रैकेट को खोलूंगा तो यहां पर वैल्यू जो आएगा इस प्लस से लेकर इस माइनस तक, इस प्लस से इस माइनस के बीच का वैल्यू क्या है, तो वो है 1। मतलब यहां से यहां तक का वैल्यू जो है वो 1 है, पहली बात। ठीक है, तो हम रेफरेंस ले लेते हैं, इस प्लस से इस माइनस के बीच में जो वैल्यू है वो है 1। अब देखिए प्लस के इधर क्या चल रहा है उसको अलग सॉल्व करेंगे, माइनस के उधर क्या चल रहा है उसको भी अलग सॉल्व करेंगे। अब माइनस के आगे ये जो वैल्यूज है इसको देख लेते हैं एक बार। इसमें ब्रैकेट लगा हुआ है इतने वैल्यूज में, तो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। 3 2/3, मतलब 3 × 3 करोगे तो 9, 9 + 3 करोगे तो 11/3 आएगा। डिवीजन है, डिवीजन में आगे 11/3 है। अब देखिए 11/30, मैंने आपको बताया है डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है तो उल्टा करना पड़ता है 30/11। अब क्योंकि आगे ऑफ था तो ये डिवीजन यहां तक सीमित नहीं है, डिवीजन उसमें भी लगेगा। या ऐसे समझिए कि आप 2/3 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 22/90 बनेगा, और फिर रिवर्स करोगे तो 90/22 बनेगा। तो ये 90/22 है, यानी कि 30 को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद और 11 को 2 से 22 बनाने के बाद रिवर्स किया गया। ऐसे भी आप इसको समझ सकते हैं। 11 से 11 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, ये 30 2 को काटेगा 15 बार। मतलब कि ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट का वैल्यू है 15, और ब्रैकेट के ठीक बाहर यहां पे 5 लगा हुआ है, तो 5 को से 15 को काटोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 3। मतलब माइनस के आगे जो वैल्यू है इसका वैल्यू है 3। प्लस के लेफ्ट साइड अगर देखते हैं तो प्लस के लेफ्ट साइड क्या है, यहां पे डिवीजन मल्टीप्लाई और एक और माइनस लगा हुआ है। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 6 − 6/6 पहले होगा, मतलब 1 आएगा, फिर यहां पे 6 है, मतलब 6 − 6 ही है ये वैल्यू। तो टोटल अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 6 − 6 = 0, 1 − 3 माइनस का 2, मतलब −2 जो है इस सवाल का सही उत्तर है, डी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक, आई होप आपसे ये सवाल बन गया होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगेन इसको प्रैक्टिस के तौर पे हम सॉल्व करेंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, 10-15 सवाल आराम से हम यहाँ पे लगाएंगे सिंप्लीफिकेशन के, वी बॉड मास रूल से, उसके बाद ही हम सेकेंड पढ़ाव में जाएंगे जो कि है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है, यहां पर दिया हुआ है 3/4 × 2 2/3 डिवाइडेड बाय 5/9 ऑफ 1 1/5, 2/23 × 3 5/6 डिवाइडेड बाय 2/7 ऑफ 2/3। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहां पे आपका 3/4 है, इनटू है तो ये बन जाएगा आपका 8/3। ठीक है, और क्योंकि यहां डिवाइड था तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो 9/5 होगा, और क्योंकि इसके आगे ऑफ है तो ये डिवाइड इसमें भी लगेगा, तो ये 6/5 नहीं है, ये बन जाएगा 5/6। ठीक है, 5 × 5 + 1 करोगे तो 6/5 आना था, लेकिन ऑफ है तो ये डिवाइड इसमें भी लगेगा, तो ये 5/6 बन जाएगा। प्लस के आगे देखते हैं क्या वैल्यू चल रहा है, तो ये बन जाएगा 2/23। मल्टीप्लाई में ये 3 6 = 18 + 5 करोगे तो 23/6 डिवाइडेड बाय है, आगे का वैल्यू को रिवर्स कर सकते हैं 7/2 करके मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके, और क्योंकि यहां पे ऑफ है तो पहले मल्टीप्लाई होना था, तो एक्चुअली इसका वैल्यू देखोगे तो 3 2 6 + 1 इसका वैल्यू 7/3 है,
लेकिन क्योंकि ऑफ है मतलब ये डिवाइड इसमें भी जाएगा, तो मल्टीप्लाई में लिखोगे तो 3/7 लिखोगे, 7/3 नहीं लिखोगे। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। प्लस तो आखिर में सॉल्व होता है, तो पहले इसको और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्या क्या चीजें इसमें कट रही है, ये 3 से ये वाला 3 कटेगा, 4 से इसको काटोगे 2 बार, 5 से ये 5 कट गया, 2 से काटोगे 6 को 3 बार, 3 से इस 9 को काटोगे तो ये 3 आएगा, मतलब प्लस के पहले क्या है तो 3 है। आगे देखते हैं 23 से 23 कट गया, 7 से 7 कट जाएगा, 3 2 6 होता है तो ये 6 कट गया, मतलब यहां जो वैल्यू बचा है वो आधा बचा हुआ है। 3 + 1/2 मतलब 3 1/2 जो है, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। 3 + 1/2 मतलब 3 1/2, ये एक मिश्रित भिन्न है। आई होप ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा और आपसे ये सवाल बना भी होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए, यहां पर इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। आसान सा सवाल है ये थोड़ा, इसको मैं अभी यहां पर आपके सामने सॉल्व करूंगा। देखिए यहां पर 4.5 है, सबसे पहले क्या सॉल्व होता है तो ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो इस ब्रैकेट में क्या है 3.2 × 0.8 है, तो अगर दोनों तरफ डेसिमल है तो आप एक एक डेसिमल को दोनों से हटा सकते हो, 32/8 करोगे क्योंकि डिवीजन पहले होना है, मल्टीप्लिकेशन बाद में होना है, तो ये बन जाएगा 4, और 4 × 5 मतलब 20, मतलब इस माइनस से प्लस के बीच में जो वैल्यू है वो है 20। ठीक, अगला वैल्यू है 3 × 4, और मल्टीप्लिकेशन में इसको कन्वर्ट करोगे तो 1/6 होगा, मतलब ये 12 है, 12 से 6 को काटोगे तो यहां पर 2 आएगा, तो 4.5 और 2 को जोड़ोगे 6.5 आएगा, माइनस में 20 करना है तो ये बन जाएगा आपका माइनस में 13.5, 13.5। ठीक, तो ए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ये सवाल भी समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, यहां पे अब डिवीजन है और डिवीजन है, और यहां पर आपका माइनस में कुछ वैल्यूज है, तो सबसे पहले यहां पर ब्रैकेट्स की प्रायोरिटी, जैसे कि मैंने आपको बताया था ब्रैकेट्स की प्रायोरिटी में सबसे पहले क्या होता है तो अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व होता है। ठीक, तो इसे सॉल्व करना है तो आपको यहां से स्टार्ट करना होगा, तो इस ब्रैकेट के अंदर क्या है, 2 1/2 है, 2 1/2 का मतलब 2 2 4 + 1 करोगे 5/2 आएगा। ठीक, प्लस में आपका क्या है तो प्लस में 3/4 है, इसको एज इट इज रख लेते हैं। अब ये तो हो गया इस ब्रैकेट का वैल्यू, अब करली ब्रैकेट की अगर हम बात करें, करली ब्रैकेट की अगर हम बात करें तो इसके ठीक बाहर माइनस है, तो अगर इसके ठीक बाहर माइनस है, मैं इस ब्रैकेट को जैसे ही खोलूंगा तो ये माइनस दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका मतलब ये भी माइनस हो जाएगा और ये वाला वैल्यू भी माइनस हो जाएगा, और इसके ठीक बाहर है 4 1/3, 4 1/3 का मतलब है 12 + 1 13/3, तो इसको इकट्ठा सॉल्व कर सकते हैं हम, है ना, ये जो करली ब्रैकेट है इसको हम इकट्ठा, मछले हुए ब्रैकेट को पहले इकट्ठा सॉल्व कर लेंगे। तो बताइए भाई इसका वैल्यू क्या आएगा, आप देख रहे हैं नीचे 3 है, 2 है और 4 है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 12, 3 से 12 को काटोगे तो 4 आएगा, 4 को फिर हमें 13 से मल्टीप्लाई करना होगा, बन जाएगा 52। ठीक है, 2 से 12 को 2 से काटोगे 6 आएगा तो ऊपर जाएगा तो 30, 12 से 4 को काटोगे तो 3 आएगा, माइनस करोगे तो यहां पे 9 आएगा, मतलब कितना हो गया भाई, तो 52 माइनस ऑफ 39 मतलब 13/12 आ गया। ठीक है, ये हो गया आपका करली ब्रैकेट, तो ये करली ब्रैकेट के अंदर जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, तो उसको हम हटा के लिख सकते हैं 13/12। ठीक, तो इतनी सारी जो कैलकुलेशन हमने जो की उसमें हमने केवल करली ब्रैकेट का वैल्यू निकाला, तो करली ब्रैकेट का वैल्यू इतना आया। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ एक स्क्वायर ब्रैकेट भी लगा हुआ है जिसके अंदर एक 2 1/6 है, 2 1/6 मतलब 2 6 जा 2 × 6 करोगे 12 प्लस 1 करोगे तो 13/6 आएगा। डिवीजन में ये वाला वैल्यू है 13/12 जिसको हम मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करने का मतलब इसको आपको रिवर्स लिखना होगा, 12/13 लिखना होगा। अब ये 13 और 13 कट जाएगा, 6 से इसको काटेंगे तो ये बन जाएगा 2, मतलब कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है वो है 2। ठीक, तो स्क्वायर ब्रैकेट मतलब यहां से स्टार्ट होते हुए यहां तक का वैल्यू है 2, इसके बाहर क्या है तो 9 3/4 है, तो इसके बाहर क्या है 9 3/4 है, डिवीजन में 9 3/4 मतलब 4 9 का करोगे तो 36 + 3 यानी 39/4। अब 39/4 में डिवीजन इनटू डिवीजन ऑफ 2 है, तो मल्टीप्लीकेशन में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 बन जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 39/8। ठीक, तो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
क्लियर। तो ब्रैकेट में प्रायोरिटी जो है वो सबसे पहले ओपन ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट और लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट आता है। इसी प्रायोरिटी के तहत हमने इस सवाल को सॉल्व किया। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं प्रीवियस एग्जाम के, मतलब कि जो हाल ही में एसएससी सीएचएसएल 2020 में आपका पेपर हुआ, जिसका रिजल्ट पिछले ही महीने आया है, उसके शिफ्ट में कुछ क्वेश्चंस जो आए थे उसको एक एक करके हम देखते हैं, कुछ शिफ्ट्स को देखेंगे। बाकी आपके प्रैक्टिस शीट में जो इस हफ्ते के एंड में आपको मिलना है उसमें मैं डलवा दूंगा आपके प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। चलिए तो यहां से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगेन ब्रैकेट्स है, डिवीजन भी है, तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है। यहां पे भी ब्रैकेट है, यहां पे भी एक ब्रैकेट है, तो इस इन दोनों ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना होगा। इस ब्रैकेट का वैल्यू बताइए क्या होगा। यहां पर एक ब्रैकेट दिख रहा है हमें, तो इसका वैल्यू माइनस का 2 होगा, है ना। डिवीजन के आगे एक दूसरा ब्रैकेट और दिख रहा है, इसका वैल्यू बताइए क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 / 16, मतलब मल्टीप्लाइड बाय 1/16, तो ये बन जाएगा 1/8। अब दूसरी बात देखिए, ये माइनस के आगे माइनस का 2 है और डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, तो 1/8 जो है 1/8 ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 8। तो 2 माइनस का 2 और 8 मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 16 बनेगा, और पहले से एक माइनस है, मतलब ये पूरा प्लस 16 बन जाएगा। मतलब यहां से लेकर यहां तक जो वैल्यू है, यहां से लेकर यहां तक जो वैल्यू है, इस माइनस के साइन को हम हटाते हुए क्या कर सकते हैं, तो यहां पर हम प्लस का 16 कर सकते हैं। क्लियर। अब यहां से देखिए, ये हो जाएगा आपका 12 प्लस 16 करोगे तो 28 आ जाएगा, 28, ठीक है। ऑफ में है तो ऑफ यहां पे लिख लेते हैं, ऑफ और यहां 4 डिवाइडेड बाय 56, ये चल रहा है आपके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो अगेन आप जानते हैं कि इसको जब सॉल्व करना है तो 56 मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे तो 1/4 आएगा, और क्योंकि ये ऑफ है तो ये डिविजन इसमें भी लगेगा, मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो 1/28 यहां पे नीचे आ जाएगा, 28, ठीक है। 4 से इसको काटोगे तो ये 14 बार कटेगा, और 14 से इसको काटोगे तो 2 बार कटेगा, मतलब इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है वो है हाफ। क्या है? तो हाफ है, ये है हाफ, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है ये हाफ है, ठीक। तो इतनी सारी जो कैलकुलेशन हम कर रहे हैं उसमें यहां पर जो स्क्वायर ब्रैकेट था, यहां से लेकर यहां तक जो चल रहा है वो आपका है हाफ, मतलब यहां से जो स्टार्ट हुआ और वहां पे जो खत्म हुआ इसका वैल्यू आधा है। अब ब्रैकेट के बाहर आइए, तो यहां पर 8 डिवाइडेड बाय 2 ऑफ 6 है, मतलब 8 डिवाइडेड बाय क्या है, तो यहां पर 6 है, 2 ऑफ पहले होगा तो 6 बनेगा, माइनस का आपको करना है आधा, तो बताइए ये बन जाएगा आपका 4/3 माइनस हाफ, तो एलसीएम लोगे नीचे 6 आएगा, 2 यहां पे मल्टीप्लाई होगा तो 8 आएगा, 3 यहां पे मल्टीप्लाई होगा तो 3 आएगा, मतलब ये बन जाएगा 5/6, 5/6। तो उत्तर जो है इस सवाल का सी है। क्लियर, बात समझ में आई कैसे हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक। चलिए तो ये सवाल जो है आपके प्रीवियस ईयर से लिया हुआ है, और ये सवाल कभी भी एक मिनट के अंदर सॉल्व करने वाला नहीं है, सारे सवाल एक मिनट के अंदर सॉल्व करने वाले नहीं होते, कुछ डिफिकल्ट होते हैं, कैलकुलेटिव होते हैं, तो ऐसे सवालों को आपको पहले ही नहीं करना है। ऐसे सवाल जो कैलकुलेटिव दिख रहे हैं उसको आप सेकेंड राउंड के लिए रखिए। फर्स्ट राउंड में आपका ये मोटिव होना चाहिए कि हम मैक्सिमम जो आपके 100 सवाल है, सारे क्वेश्चंस में जो आपके आ रहे हैं सारे सब्जेक्ट से, उसको एक राउंड हम लगा लें लगभग 40 से मिनट के अंदर अंदर। उसके बाद आप सेकेंड राउंड में जब लगाते हैं वहां पर आपको ऐसे सवाल लगाने जिसमें गलती भी हो सकता है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, और धीरे धीरे ध्यान से इसको करना है, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, यहां पे दिया हुआ है 232 डिवाइडेड बाय 29 ऑफ 2 प्लस 77 × 10 डिवाइडेड बाय 18, और वहां पे एक और वैल्यू है, तो अगेन ये भी कैलकुलेटिव ही था। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में आप देख रहे हैं यहां पे ब्रैकेट है और वहां पे डिवीजन है, तो इसको हमने अलग से सॉल्व किया इस तरीके का सवाल, इसको भी हमने अलग से सॉल्व किया, दोनों को कंबाइन करके इसने बीच में माइनस साइन डाला हुआ है, तो अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। यहां से स्टार्ट करेंगे तो ये ब्रैकेट पहले सॉल्व होना चाहिए। इस ब्रैकेट के अंदर क्या है, 232 डिवाइडेड बाय, इन दोनों को मल्टीप्लाई पहले करना है, तो 21 ऑफ 2 भी नीचे आ जाएगा, 2 से काटोगे तो 116 बार कटेगा, और 29 जो है इसको 4 बार काटेगा, मतलब ये पूरा जो ब्रैकेट है स्मॉल ब्रैकेट, इसका वैल्यू क्या है, तो इसका वैल्यू 4 है, ठीक। इसके जगह पे मैं लिख सकता हूं 4, ठीक। आगे देखते हैं इसके बाद क्या है, 77 मल्टीप्लाइड बाय 10 है, तो ये कितना बन जाएगा, ये 770 बन जाएगा, और जब हम इन दोनों को जोड़ने की बात कर रहे हैं तो ये बन जाएगा 774, ठीक है। और इसमें जैसे कर्ली ब्रैकेट खोलोगे तो बटे में 18 है, और स्क्वायर ब्रैकेट यहां पे खत्म है, मतलब ये स्क्वायर ब्रैकेट का वैल्यू यहां से निकल जाएगा। इसको काटोगे तो कितने बार जाएगा, 4 बार, 72 से 72,
72 के बाद आपका रिमाइंडर यहां पे 5 बच रहा है, तो 54 जो कि 3 टाइम आएगा। मतलब कि इस स्क्वायर ब्रैकेट के जगह पे पूरे को हटा के मैं क्या लिख सकता हूं, इस पूरे को मैं हटा के लिख सकता हूं कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट चल रहा है, इस पूरे को हम हटा के लिख सकते हैं कि इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है वो है 43। एक वैल्यू निकल के आ गया। ठीक, अब देखिए माइनस के आगे क्या चल रहा है उसको समझ लेते हैं और माइनस के आगे जो वैल्यूज है इसको सॉल्व करते हैं। तो एक बड़ा सा यहां पर डिवीजन है जो कि एक ब्रैकेट के जैसे काम करता है, इसके ऊपर वाला वैल्यू और नीचे वाला वैल्यू का है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है और माइनस है। तो पहले का होता है, मतलब इसको मल्टीप्लाई करना होगा, तो 12 बनेगा, तो 18 मल्टीप्लाइड बाय 8। और ऑफ का मतलब यहां पर डिवीजन है तो मल्टीप्लाई करोगे तो ऑफ पहले होता है, मतलब 1/12 आएगा, और बाद में लास्ट में माइनस का 4 है। ठीक, नीचे आते हैं तो यहां पर ये मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 ये बन जाएगा आपका 4। ठीक, क्योंकि ये 2 बनेगा, 2 × 2 करोगे तो ये बन जाएगा 4। प्लस इसके आगे क्या है, इसके आगे है +1 है। ठीक है, और यहां पर माइनस के आगे जो वैल्यूज है इसको समझिए कि यहां पर का पहले होना है तो 4 का 2 मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा 2। ठीक, अब 2 × 3 है, डिवाइडेड बाय 2 है, तो डिवाइडेड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे तो आधा नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 2 से 2 काट लो तो यहां पर बन जाएगा 4 + 1 = 5 माइनस का 3। सॉल्व करते हैं, 4 से काटोगे तो यहां 2 आएगा, यहां से 3 आएगा, 3 से 18 को काटोगे तो बन जाएगा ये 6। मतलब ये हो गया आपका 12 - 4, 12 6 2 12 -4, मतलब न्यूमरेटर में अंश में इसका वैल्यू आ रहा है 8। डिनोमिनेटर में देखोगे तो ये 5 है, 5 - 3 करोगे तो 2 आएगा, मतलब पूरा का पूरा वैल्यू जो है 4 है। तो माइनस के आगे जो इतना सारा वैल्यू दिया हुआ है इसका वैल्यू क्या है, तो 4 है, तो 43 माइनस ऑफ 4 करोगे तो 39 इसका वैल्यू आएगा। ठीक, तो ए ऑप्शन जो है इस सवाल का सही उत्तर है। ठीक है, आई होप ये सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कमेंट सेक्शन में, इसको सॉल्व करके आंसर जरूर करिए। अभी मैं आपको इसका यहां पर सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, तो अगेन देखेंगे तो ब्रैकेट्स बहुत सारे लगे हुए हैं, तो पहले हमें ब्रैकेट ही सॉल्व करना होता है। तो अगर हम इस ब्रैकेट से स्टार्ट करें तो आप देख रहे होंगे यहां 7 3/5 है और 3 2/5। फ्रैक्शन की सबसे बड़ी बात, मिक्स फ्रैक्शन की सबसे अच्छी खूबी ये होती है कि आप इसमें इंटीग्रल पार्ट को यानी पूर्णांकों को अलग कर सकते हैं और भिन्नों को अलग कर सकते हैं। मतलब ये जो माइनस लगा हुआ है ना, इस माइनस में 7 और 3 को पहले माइनस करेंगे, 4 अलग लिख लीजिए। ठीक है, और यहां पे 3/5 -2/5 को अलग आप कर लीजिए कैलकुलेट, तो ये बन जाएगा कितना, 1/5 बन जाएगा, 1/5 है ना। मतलब ये जो पूरा ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट का वैल्यू क्या है, तो 4 और यहां से 1/5 आएगा। तो इसको हम एक बार लिख सकते हैं डायरेक्टली। ठीक, बड़े बड़े वैल्यूज से बचने का एक और तरीका क्या है कि पूर्णांकों को आप अलग जोड़िए घटाइए और इसके भिन्नों को अलग जोड़िए घटाइए। इसके बारे में मैं कैलकुलेशन में और आगे बात करूंगा। ठीक है, अभी के लिए समझ के रखिए कि इस तरीके से हम डिवाइड को, मतलब माइनस प्लस को हम भिन्नों में भी ले जा सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। इस वाले वैल्यू की बात करते हैं, मतलब देखिए इसका वैल्यू क्या है, तो यह है आपका 4 1/5। मतलब इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, 4 5 20 + 1 21/5 हम लिख सकते हैं इसके जगह पे। सेकेंड वाले ब्रैकेट में इस ब्रैकेट की बात करते हैं, तो यह है 33 मल्टीप्लाई में, अगर इसको रिवर्स करेंगे तो 2/5 बनेगा, मतलब ये जो वैल्यू है ये आपका 66/5 है। तो इतने सारे वैल्यूज के जगह हम इसको 66/5 लिख सकते हैं इस ब्रैकेट का वैल्यू। ठीक है, तीसरे वाले ब्रैकेट की बात करते हैं अब, थर्ड ब्रैकेट यानी इस ओपन ब्रैकेट पे, स्क्वायर ब्रैकेट पे क्या क्या वैल्यूज चल रहा था, तो एक ये था, एक ये था, दोनों का वैल्यू प्लस प्लस है बीच में। और तीसरे वैल्यू की अगर बात करते हैं तो ऑफ पहले होगा, ऑफ पहले होने का मतलब है ये 7 और 28 कटेंगे तो यह 4 आएगा, मतलब ये जो वैल्यू है ये है 168/12 प्लस यहां पे आपका है 66/5 प्लस यहां पे आपका है 21/5। तो ये चल रहा है आपके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, मतलब यहां से लेकर यहां तक। ठीक, 12 से अगर इसको काटेंगे तो बताइए इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 12 1 12 रिमाइंडर 4 आ रहा है, 48 4 टाइम्स कटेगा, मतलब ये बन गया आपका 14 प्लस यहां पर आपका 5 आएगा, ऊपर आ जाएगा 66 + 21, 6 + 1 करोगे 7 आएगा, 6 + 2 करोगे तो यहां पे 8 आएगा। मतलब देखिए इसका वैल्यू क्या हो गया, 5 × 14 यानी 70 + 87/5 तो ये हो जाएगा आपका 157/5 हो जाएगा। ठीक, तो 157/5 हो गया इसका वैल्यू।
किसका वैल्यू? तो स्क्वायर ब्रैकेट का वैल्यू। तो पूरा का पूरा जो स्क्वायर ब्रैकेट है, इस पूरे स्क्वायर ब्रैकेट की जगह हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 157 डिवाइडेड बाय 5। ठीक, अब इसके बाहर क्या है? इसके बाहर एक डिवीजन और इसके आगे 31 2 बाय 5 है। 31 का मतलब 150 प्लस 5 करोगे 155 प्लस 2 यानी 157 डिवाइडेड बाय 5 हो रहा है, और 157 बाय 5 डिवाइडेड बाय 157 बाय 5 करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1। तो ए जो है इस सवाल का सही उत्तर है। आई होप ये भी आपसे बना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रैक्टिस करिए इसका, वैल्यू आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं इसका आंसर। तो यहां पर ब्रैकेट्स लगे हुए हैं और डिवीजन है, प्लस है, इनटू है, माइनस, सारे साइंस है। तो यहां से हम स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। तो 5 और 3 है, तो आप जानते हैं 5 और 3 को आप अलग सॉल्व कर सकते हैं और 1/6 माइनस 1/3 को अलग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो ये बन जाएगा 2। 6 यहां एलसीएम होगा तो यहां पे ऊपर 1 माइनस 2 होगा, मतलब 2 माइनस 1/6 इसका वैल्यू है। 2 माइनस 1/6 मतलब ये 12 बन जाएगा। 12 माइनस का 1/6 करोगे तो 11/6 इसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक, 11/6। तो ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट का वैल्यू क्या है? तो ये है 11/6। अब इस ब्रैकेट के बाहर देखेंगे तो 3/11 है, तो 3/11 का मतलब ये 11 इससे कट जाएगा और 3 इससे कटेगा तो नीचे 2 आएगा। मतलब कि अब इस कर्ली ब्रैकेट के ऊपर अपना ध्यान लेकर आइए, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या चल रहा है। हमने देखा कि एक वैल्यू था जिसका हाफ आया वैल्यू यहां पर, तो कर्ली ब्रैकेट की अगर बात करते हैं, इसके अंदर यहां पर 29/6 है और माइनस में यहां पर हाफ है। ठीक, तो इसका एलसीएम लोगे तो 6 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 29 माइनस का 3 जो कि हो जाएगा 26/6। 13 से अगर काटोगे, 2 से काटोगे तो ऊपर 13 नीचे 3 आएगा, 13/3। अब यहां से हमने क्या किया? तो हमने कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया। इस कर्ली ब्रैकेट के जगह पे हम क्या लिख सकते थे? तो 13/3 लिख सकते थे। अब आते हैं हम ध्यान देंगे अगले ब्रैकेट पे जो कि है स्क्वायर ब्रैकेट। इस स्क्वायर ब्रैकेट में क्या चल रहा है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। इसके अंदर देखेंगे तो एक वैल्यू है 7/33 और अगला जो नंबर यहां पे हमें जोड़ना है वो है 13/3। तो अगर दोनों को हम सॉल्व करते हैं तो एलसीएम नीचे 33 का आएगा, ऊपर यहां पर 7 का 7 रहेगा, लेकिन यहां 3 को 3 से काटेंगे 33 को तो 11 आता है, तो 11 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 143 और 143 में 7 जोड़ने का मतलब 150 डिवाइडेड बाय 33। 150 डिवाइडेड बाय 33 मतलब 3 से कट जाएगा तो यहां पर 50 आएगा, ऊपर नीचे आ जाएगा 11। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट चल रहा था, इस स्क्वायर ब्रैकेट का पूरा वैल्यू हमने निकाल दिया यहां से लेकर यहां तक, इसका टोटल वैल्यू है 50/11। अब हमारा जो सॉल्यूशन है वो बहुत जल्दी निकल जाएगा क्योंकि बाहर बस एक ही वैल्यू दिख रहा है यहां पे। अब इसका वैल्यू क्या होगा? तो 18 × 11 यानी 198 प्लस 2 करोगे तो 200 डिवाइडेड बाय 11। और यहां डिवीजन है, डिवीजन को जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो आगे का वैल्यू रिवर्स हो जाता है, ये बन जाएगा 11/50। 11 से 11 कट जाएगा, 50 से इसका वैल्यू 4 आएगा, तो इसका आंसर 4 आएगा। ठीक है, यही आंसर आना चाहिए आप सभी का कमेंट सेक्शन में। ए 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आई थिंक ये रिपीट हो गया तो मैं इसको प्रैक्टिस शीट में लगवा दूंगा, ये सवाल हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा अलग टाइप का पैटर्न है। इसमें देखिए हो क्या रहा है, यहां पे हमें दिया है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू 15 स्क्वायर जो है 1, 2, 4, 6, 4, 0 है। हमसे पूछ रहा है कि 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर यानी 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग, 30 का वर्ग क्या होगा। मतलब अगर आप देखेंगे तो 1 का दुगना 2 होता है, 3 का दुगना 4 होता है, सॉरी 2 का दुगना 4 होता है, 3 का दुगना 6 होता है और 15 का दुगना 30 होता है। मतलब जो वैल्यूज हमें स्क्वायर में दी थी जस्ट उसका डबल कर दिया गया है और इसके पावर में स्क्वायर लगा हुआ है यानी वर्ग लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है समझिए कि एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है जो हमने कहीं ना कहीं बचपन में पढ़ा हुआ है कि a गुणे b प्लस c जब होता है, कोई एक संख्या में जब हम a इंटू बी प्लस सी कर रहे हैं तो ये बराबर किसके होता है? तो ए बी प्लस ए सी होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, और दो लॉज हम पढ़ चुके हैं, एक एसोसिएटिव लॉ और एक कम्यूटेटिव लॉ पढ़े। कम्यूटेटिव लॉ कहता है a प्लस बी जो है b प्लस ए के बराबर होता है, और कम्यूटेटिव लॉ क्या है? a प्लस बी प्लस सी जब कर रहे हो तो ये बराबर होता है a प्लस b
बी प्लस सी के, ये बेसिक चीजें हैं। इसको कम्यूटेटिव लॉ बोलते थे, एसोसिएटिव, और इसको हम कहते थे, इसको हम कहते थे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, तो इसी लॉ को हम यूज करते हुए समझेंगे कि हमारा जो वैल्यूज है, ये सारे वैल्यूज में हमने क्या किया, तो दो 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 सबने सब में मल्टीप्लाई किया। हालांकि यहां पर एक जो है वो एक बार नहीं है, एक यहां पे दो दो बार मल्टीप्लाइड है, वन इंटू वन। दो जो है यहां पर भी दो बार मल्टीप्लाइड है, थ्री जो है यहां पर दो बार मल्टीप्लाइड है, 15 जो है वो भी दो बार मल्टीप्लाइड। तो जब 15 जब दो बार मल्टीप्लाइड है और यहां पर हम 30 कर रहे हैं, यानी उसका दोगुना कर रहे हैं, तो हर एक 15 के लिए एक एक दो लगेगा। मतलब कुल मिला के जब आपको यहां से यहां आना है तो हमें इस एक्सप्रेशन में दोनों तरफ चार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें भी चार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि चार होता क्या है, चार होता है दो का स्क्वायर। तो एक के स्क्वायर को दो का स्क्वायर बनाने के लिए हमें दो दो की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब चार इसमें भी मल्टीप्लाई करना होगा, और यहां पर जब चार मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका वैल्यू भी मल्टीप्लाइड बाय फोर में आंसर आ जाना चाहिए। मतलब ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जस्ट इसमें चार मल्टीप्लाई करिए, 4, 8 और यहां 16 आएगा, तो 960, 4960 हो जाएगा चार से मल्टीप्लाई करने पर। बी जो है सवाल का सही उत्तर होगा। ठीक, अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है। यहां दिया हुआ है ए बी सी से लेकर एक्स वाई जेड तक 26 नेचुरल नंबर्स हैं, यानी प्राकृतिक संख्याएं हैं। हमें निकालना है x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी से लेकर x माइनस जेड तक चल रहा है, तो वैल्यू क्या होगा। ठीक, इसका जो है आंसर बहुत ही आसान है, हालांकि थोड़ा सा ट्रिक है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में कभी कंफ्यूज कर सकते हैं। यहां जब आप x माइनस वाई तक पहुंचे, इसके जस्ट पहले एक टर्म है जो कि है x माइनस एक्स, और x माइनस एक्स का वैल्यू जीरो हो जाएगा। जीरो में कुछ भी मल्टीप्लाई करने से आंसर जो है वो जीरो ही आता है। ठीक है, यही इस सवाल का ट्रिक है, तो हमको चौकन्ना रहना है इस तरह के सवाल से जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक, चलिए, तो जैसे कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि हम वी बॉड मास को पढ़ेंगे, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज से भी सवाल पढ़ना है हमें, और फ्रैक्शन से भी पढ़ना है। ये तीन भाग है इस सिंप्लीफिकेशन के वीडियो में। तो हम वी बॉड मास देख चुके हैं, अच्छे खासे सवाल भी हमने प्रैक्टिस किए। अब हम आएंगे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में, यानी कि जो बीज गणित है उस बीज गणित के कुछ फॉर्मूले में, बीजगणित। ठीक, तो बीजगणित के जो आइडेंटिटीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपको ये याद हो, जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है हो सकता है उनको याद नहीं हो। तो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है इसको आप नोट डाउन कर ले, क्योंकि ये सारे जो फॉर्मूलेज है बहुत जरूरी है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यदि मैं पहले और दूसरे वैल्यूज को जोड़ दूं तो आ जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू, अब देखिए जोड़ने का मतलब ये दोनों तो कट जाएंगे, तो आएगा क्या ए स्क्वायर दो बार बी स्क्वायर दो बार। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के तहत आप दो को कॉमन निकाल के इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक, तो तीसरा फॉर्मूला कैसे आया समझ में आ गया होगा। ये चौथा फॉर्मूला कैसे आया, तो इन दोनों को घटाने से ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, बचा क्या 2ab माइनस ऑफ माइनस 2ab, मतलब 2ab में 2ab जोड़ना, तो बन जाएगा 4ab। एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट और है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस फॉर्मूले के ऊपर पहले वीडियो में हमने थोड़ा सा चर्चा किया था, जहां पे मैंने आपको मल्टीप्लीकेशन ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड और इवन नंबर के बारे में बताया था, और एक सवाल भी हमने लिखा था जो कि इस फॉर्मेट में है, कैलकुलेशन में भी कैसे यूज करना है मल्टीप्लीकेशन में, उसका भी एग्जांपल मैंने दिया था आपको पहले वीडियो में। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें याद होगी। तो वहां पे भी मैंने केवल एक ही फॉर्मूला लिया था, लेकिन फॉर्मूलाज बहुत सारे होते हैं, सारे इंपॉर्टेंट है, किसी भी फॉर्मूला से रिलेटेड एक दो शिफ्ट में इसका सवाल आता है, सारे शिफ्ट में नहीं आता है, ज्यादातर सवाल आपके वी बॉड मास से आते हैं। लेकिन अगर आपकी किस्मत खराब रही कि आपके एग्जाम में ये वाला सवाल पूछा गया, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए सारी पहलू हम कवर करेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर 20 शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है तो दो तीन शिफ्ट में इससे पूछा जाता है सिंप्लीफिकेशन का सवाल, और बाकी शिफ्ट में आपके वी बॉड मास से या फ्रैक्शन से भी पूछा जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, यहां पर कुछ फॉर्मूले से इसको नोट डाउन करिए। ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, और a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। अब आएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या है, तो a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर, और a क्यूब माइनस बी क्यूब है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
ए बी, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखने होंगे। इसके बाद ये दो फॉर्मूलेज में से पहला फॉर्मूला तो आपको याद होगा, दूसरा फॉर्मूला हो सकता है याद ना हो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर 2019 के प्रीलिम्स में, सीएचएसएल के प्रीलिम्स में सवाल आ चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो है ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी इंटू बी सी, टू बी सी प्लस टू सी है। ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला याद रखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब आएगा, यहां पे शायद टाइपिंग एरर है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये बन जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस ये आएगा थ्री इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। ठीक है, इसको करेक्शन कर लीजिएगा, ये शायद टाइपिंग एरर हो गया है, ये फॉर्मूला है। आपके ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का, सॉरी ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब का फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस थ्री इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। ठीक है, नेक्स्ट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी का फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। देखिए, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि राइट हैंड साइड में यदि मैं ए प्लस बी प्लस सी को जीरो कर दूं, ए प्लस बी प्लस सी को जीरो कर दूं, यानी ये वाला वैल्यू जीरो हो गया, तो जीरो मल्टीप्लाइड बाय कुछ भी हो वो जीरो रहता है, तो राइट हैंड साइड वाला वैल्यू जीरो हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ऑफ थ्री ए बी सी शुड बी इक्वल टू जीरो। इस केस में थ्री ए बी सी दोनों राइट साइड आ जाएगा, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू हो जाएगा इज इक्वल टू थ्री ए बी सी। ठीक, चलिए अब आते हैं हम कुछ सवाल देखेंगे। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज बेस्ड सवाल मैं यहां पे आपको बता रहा हूं, करके आपका जो दिमाग है अब एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के तहत दौड़ेगा, लेकिन एग्जाम में आपको ऐसा बाइफर्केशन करके नहीं पूछा जाता कि ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। तो जब भी आप सवाल देखते हैं तो कोशिश करिएगा समझने की क्या ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज से रिलेटेड कुछ सवाल है। इतने सारे सवाल फॉर्मूले हमने देखे, उन फॉर्मूले से कोई फॉर्मूला क्या उसमें फंस रहा है, तो वी बॉन्ड मास का रूल तो लगाना है, लेकिन कभी कभी ऐसे जो कैलकुलेटिव वैल्यूज रहते हैं उसमें फॉर्मूले बेस्ड सवाल रहते हैं, तो वो फॉर्मूला आपको आना चाहिए और फॉर्मूला कैसे यूज करना चाहिए वो आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहां पर अगर हम देखते हैं 27.78 को दो बार मल्टीप्लाई किया, यहां पर 14.83 को दो बार मल्टीप्लाई किया और डिवाइडेड बाई 8.95, तो कहीं ना कहीं जो फॉर्मूला लग रहा है वो फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मतलब ये जो न्यूमरेटर है इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 23.78 का होल स्क्वायर माइनस 14.83 का होल स्क्वायर, यही लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय नीचे है 8.95। तो इसका वैल्यू क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, तो अगर मैं a प्लस बी करूं तो 8 प्लस 3 11 आएगा, एक कैरी फॉरवर्ड, तो ये 7 प्लस 1 8 बन गया प्लस 8 16 एक कैरी फॉरवर्ड, 4 और 4 8 बन गया और यहां एक और दो तीन बन जाएगा। a प्लस बी का वैल्यू हो गया 38.61, a माइनस बी का वैल्यू करने जाएंगे तो बताइए क्या आएगा, 8 में से 3 गया तो 5, ठीक है 7 में से 8 गया यानी 17 में से 8 गया तो 9, तो यहां पर ये 2 बन जाएगा यानी 22 में से 14 गया तो यहां पर बचेगा 8.95, नीचे भी तो 8.95 है, मतलब कहीं ना कहीं ये दोनों वैल्यूज कट जाएंगे, उत्तर क्या आएगा तो 38.61 a इस सवाल का सही उत्तर होगा। क्लियर, तो आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि इस तरीके के फॉर्मूले से सवाल बनते हैं। ठीक, तो सवाल देखकर आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला फंस रहा है। तो थ्योरी इतना ही है, फॉर्मूला से अलग अलग है, वैल्यूज अलग अलग है। चलिए आइए कुछ क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस करेंगे, सारे सवालों को लेंगे जो अलग अलग फॉर्मूले से बन सकता है। इस सवाल को देखिए, ऊपर दिया हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी, नीचे दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ऑफ सी ए। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें, अगर इस वैल्यूज को हम देखते हैं तो ऊपर वाला जो वैल्यू है इस फॉर्मूले में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी छुपा हुआ है, जो कि है इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और नीचे हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं इस वैल्यू में 0.1 मल्टीप्लाई किया है 3
3.5 में 0.1 मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर 0.35 आएगा, मतलब इसमें भी 0.1 मल्टीप्लाई करने पर ये आया, इसमें 0.1 मल्टीप्लाई करने पर 0.05 आया। अगेन ये जो वैल्यूज है इसमें कहीं ना कहीं ए बी में 0.1 मल्टीप्लाई करके ये वैल्यूज लिखे हुए हैं। तो अगर हमें 3.5 बनाना है इस 0.35 को, मतलब नीचे मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक 10 जाएगा तो एक 3.5 कन्वर्ट होगा, दूसरे वाले को भी कन्वर्ट करने के लिए 10 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर 10 के स्क्वायर से नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 10 का स्क्वायर मैं ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लेता हूं, ठीक है। अब अगर ये 10 स्क्वायर अंदर चला जाएगा तो कहीं ना कहीं 3.5 स्क्वायर बनेगा, 6 का स्क्वायर बनेगा, तो ऊपर वाले वैल्यूज में आप देख पा रहे हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का चल रहा है वैल्यू, नीचे वाले वैल्यू में क्या चल रहा है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी चल रहा है। मतलब कुल मिला के अगर मैं कहूं तो इसका वैल्यू एक लाइन में क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी ही तो होगा। तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं इसका वैल्यू 3.5 प्लस 6 प्लस 0.5, और एक्स्ट्रा क्या आ गया, तो एक्स्ट्रा ये 10 का स्क्वायर बचेगा, क्योंकि ये 10 का स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई होने चला गया था 3.5 बनाने के लिए, तो ये 10 का स्क्वायर एक्स्ट्रा रहेगा 100। 3.5 प्लस 6 करोगे 9.5, प्लस 0.5 करोगे तो 100 इंटू 10 एक और बार आएगा जो कि हो जाएगा 1000। तो ये बन जाएगा आपका डी, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहां पे दिया हुआ है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर। a का काम 733 कर रहा है, b का काम 624 कर रहा है। तो इसका फॉर्मूला हमने देखा था कि a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर होता क्या है, सॉरी ये माइनस में है, सॉरी a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर होता क्या है, तो ये होता है 4 इंटू ab। तो हम यहां पर डायरेक्टली a ये है b ये है, इसके जगह पे लिख सकते हैं 4 इंटू ए बी, मतलब 733 इंटू 624, नीचे आ जाएगा 1466 और यहां पे आ जाएगा 1248। इसका दुगना करने पर ये वैल्यू, इसका दुगना करने पर ये वैल्यू, 2 2 होता है 4, तो ये बन जाएगा आपका 1, ठीक। तो a जो है सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, क्लियर है, बात समझ में आ रही है कैसे हमें एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को यूज करते हुए सवालों को लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है, 4.75 इंटू 4.75 इंटू 4.75 माइनस 5.25 इंटू 5.25 इंटू 5.25, मतलब ऊपर क्या चल रहा है तो 4.75 का होल क्यूब चल रहा है, नीचे क्या चल रहा है तो 5.25 का होल क्यूब, सॉरी ये भी होल क्यूब हो गया, नीचे देखोगे तो 47.5 का स्क्वायर है, ठीक, प्लस करोगे तो यहां पे 52.5 का स्क्वायर है, और आगे देखोगे लास्ट वाला वैल्यू तो 47.5 इंटू 52.5, ठीक। तो कहीं ना कहीं आपको याद आ रहा होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले में हमने देखा था क्या था, ए माइनस बी, नीचे में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही चल रहा है, बस डिफरेंस इतना है कि ऊपर 4.75 है तो नीचे 47.5, मतलब इसमें 10 मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यू बनेगा। तो अगर मुझे इसमें 10 मल्टीप्लाई करना है तो एक्चुअली ये 4.75 एक बार नहीं है बल्कि 3 बार है, तो मुझे यहां पर 10 का क्यूब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और क्योंकि मैंने यहां 10 का क्यूब मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर में भी एक 10 का क्यूब मल्टीप्लाई होगा, 10 का क्यूब अंदर जाएगा तो ये बन जाएगा आपका 47.5, ये क्या बन जाएगा तो 47.5 का क्यूब बन जाएगा, ठीक, ये क्या बन जाएगा तो बन जाएगा 52.5 का क्यूब, और ये 10 क्यूब अंदर चला गया। अब कहीं ना कहीं वैल्यूज सेट है कि ये a क्यूब माइनस b क्यूब है, डिनोमिनेटर में क्या है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab नीचे आ गया, मतलब ये जो टोटल एक्सप्रेशन है यहां से लेकर यहां तक, इस पूरे एक्सप्रेशन को हम क्या कर सकते हैं तो डायरेक्टली a माइनस b लिख सकते हैं, यानी 47.5 माइनस 52.5, और नीचे वो जो 10 का क्यूब एक्स्ट्रा आ गया वो बच जाएगा, तो 1000 को मैं यहां पे लिख लेता हूं। 52.5 और 47.5 का डिफरेंस क्या होता है तो 5 होता है, और क्योंकि नेगेटिव वाला वैल्यू बड़ा है इसलिए माइनस वैल्यू आ जाएगा और यहां पे 1000 नीचे आ जाएगा, तीन जीरो, तीन डेसिमल वैल्यूज आएंगे, मतलब ये वाला वैल्यू जो है सही है।
तो तीन डेसिमल वैल्यू आएंगे, मतलब माइनस ऑफ 0.005 जो है इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है। यहां पर देखिए इसमें दिया क्या हुआ है, यहां 0.012 को का क्यूब लिया है और 0.008, यहां पर आप देखेंगे तो 0.008 को दो बार और मल्टीप्लाई करके 0.000064 लिखा हुआ है। कहने का मतलब यह कि न्यूमरेटर में क्या है, तो न्यूमरेटर में 0.012 का होल क्यूब प्लस करोगे तो यहां पे 0.008 का होल क्यूब है। डिनोमिनेटर में हम आएंगे तो यहां आ जाएगा 0.008 का होल स्क्वायर प्लस, अगर इस ब्रैकेट को खोला जाए तो आ जाएगा 0.012 का होल स्क्वायर माइनस में, ये दोनों मल्टीप्लाई होके बन जाएंगे 0.008 इंटू 0.012, है ना। तो कहीं ना कहीं ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ही तो है, क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला है वो होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो जो न्यूमरेटर है, इस न्यूमरेटर को अगर हम खोल के लिखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में तो ए प्लस बी अलग आ जाएगा और जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज है वही रिपीट हो जाएंगे। मतलब कुल मिला के इसका वैल्यू जो आना है वो यही आना है ए प्लस बी। ए प्लस बी मतलब 0.012 प्लस 0.08 मतलब 0.020 आएगा, तो आगे का जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता, तो ये 0.02 जो है इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, बातें समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपके स्क्रीन के ऊपर। यहां पर दिया हुआ है 27 × 0.25 का होल क्यूब, 125 × 0.05 का होल क्यूब। नीचे देखेंगे तो 0.75 का होल स्क्वायर है माइनस में, यहां पे दिया हुआ है 0.25 × 0.5। तो आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये थोड़ा सा जो है ना डायरेक्टली आपका सवाल नहीं है, इनडायरेक्टली एक स्टेप एक्स्ट्रा इसमें हमें जोड़ना पड़ता है, जो पिछले सवाल के फॉर्मेट में था उस सवाल के फॉर्मेट में इस क्वेश्चन को लाना होगा। तो देखिए ये जो 27 है, 27 का मतलब क्या होता है, 3 का क्यूब, 3 का घन है, 125 मतलब 5 क्यूब मतलब 5 का घन है। तो 3 का क्यूब और 0.25 का होल क्यूब करोगे तो 3 अंदर आ जाएगा, तो 0.75 का होल क्यूब बन जाएगा, है ना। 3 3 बार है, 0.25 भी होल 3 बार है, मतलब अगर इस 3 क्यूब को अंदर लाएंगे तो 0.25 से एक ही बार मल्टीप्लाई होगा क्योंकि वो भी 3 बार है और दूसरा वाला भी 3 बार ही है। सेम चीज ये 5 को अंदर लेकर आएंगे तो ये बन जाएगा 0.25 का होल क्यूब। डिनोमिनेटर में आते हैं तो 0.75 है, 0.75 होल क्यूब है, माइनस यहां पे देखोगे तो 0.25 है और मल्टीप्लीकेशन में एक और 0.5। अब थोड़ा सा फॉर्मूला याद करने की कोशिश करिए, न्यूमरेटर तो ठीक है ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, लेकिन क्या डिनोमिनेटर में बाकी चीजें हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू माइनस ए बी के फॉर्म में? क्योंकि हम जो फॉर्मूला जानते हैं उस फॉर्मूले में ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो है वो है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। लेकिन आप यदि देखेंगे यहां पर जो वैल्यूज चल रहे हैं उसमें यहां कहीं भी आपका ए 0.75 था, बी आपका 0.25 था, तो 0.75 और 0.25 तो ठीक है, ये 0.5 आया तो कैसे आया? मतलब करना क्या होगा कि ए और बी का यूज करके आपको 0.5 बनाना होगा। तो क्या आप एक बात बताइए मुझे, इस 0.5 को, इस 0.5 को हम ऐसे नहीं लिख सकते 0.75 माइनस ऑफ 0.25, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? मतलब जो 0.5 है इसको मैं हटाकर यहां पर लिख देता हूं 0.75 माइनस ऑफ 0.25। तो इससे क्या होगा, इससे हमारा जो फॉर्मूला है बिल्कुल ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो हमने देखा कि ऑड वन आउट क्या है, तो 0.5 ऑड वन आउट है। इसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब में दो ही चीज होते हैं ए और बी, तो 0.5 एक्स्ट्रा निकल के आ गया। तो मैंने क्या किया, ए और बी का यूज करके उस 0.5 को हमने एलिमिनेट कर दिया ए और बी के टर्म में। अब ये 0.25 अंदर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए यहां पर वैल्यू जो आ जाएगा वो एक आ जाएगा, 0. माइनस था तो माइनस इंटू 0.75 करोगे तो यहां पे 0.75 माइनस में आएगा, और नेक्स्ट वाला माइनस 0.25 इंटू इतना करोगे इस 0.25 माइनस को और इस माइनस को ऐड मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस आ जाएगा,
0.25 का होल स्क्वायर। अब आप बिल्कुल कहेंगे सर ये तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब है और नीचे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूले से कट जाएगा, बचेगा तो केवल ए प्लस बी बचेगा, है ना। तो डायरेक्टली आप आंसर लिख सकते हैं 0.75 प्लस 0.25 जो कि क्या है तो 1 है, ठीक। इसका आंसर क्या होगा तो 1 हो जाएगा। आशा करता हूं ये सवाल आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। इस तरीके के पैटर्न के क्वेश्चन बन रहे हैं, ये हमारा क्रिएटेड है सवाल, इस तरीके के एग्जाम में आपके आए हुए हैं और आगे आने के भी चांसेस रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन के ऊपर है, इसको सॉल्व करिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा कि आपका आंसर क्या आ रहा है। यहां पर आप देखेंगे 0.04 है, 64 है और 0.08 है, मतलब कि अगर x की बात हम करते हैं तो ये है 0.4 का होल क्यूब माइनस 0.2 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय, नीचे देखोगे तो ये 0.4 का स्क्वायर है प्लस 0.2 का स्क्वायर है, माइनस में 0.4 इंटू 0.2, ठीक। और y की हम बात करते हैं तो y की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 0.9 का होल क्यूब माइनस 0.1 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय हो जाएगा तो 0.89 का स्क्वायर, 0.9 का स्क्वायर प्लस 0.1 का स्क्वायर और प्लस में आ जाएगा तो 0.9 इंटू 0.1 आ जाएगा, है ना। मतलब देखिए ये आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में है, ये भी ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में है, नीचे आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है, माइनस ए बी है सॉरी, यहां पे थोड़ा सा करेक्शन है, ये प्लस है ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में और ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में। तो दोनों का फॉर्मूला हम जानते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो कहीं ना कहीं ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी वाला जो टर्म है वो कट जाएगा और x का वैल्यू आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि x का वैल्यू क्या है तो 0.4 प्लस 0.2 यानी 0.6, y का वैल्यू क्या है तो 0.9 माइनस 0.1 है यानी 0.8 है। सवाल में आपसे पूछ क्या रहा है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा है, तो बताइए भाई अगर मैं एक्स स्क्वायर का वैल्यू डाल देता हूं जो कि है 0.6 का होल स्क्वायर तो ये बन जाएगा 0.36, y का वैल्यू डाल देता हूं तो ये बन जाएगा 0.8 का होल स्क्वायर मतलब 0.64, दोनों को जोड़ने पर वैल्यू 1 आ रहा है, मतलब आंसर जो है सवाल का ए हो जाएगा। क्लियर, बात समझ में आ गई। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह का सवाल जो है पिछले वीडियो में हमने कवर किया है तो आई होप ये सवाल आपसे बन जाना चाहिए। आप देख पा रहे होंगे यहां पर क्या है तो 2020 का स्क्वायर है और नीचे यहां 2021 है, यहां 2019 है। ये कैसे बना है तो ये बना है 2020 में एक जोड़ने से, ये कैसे बना है तो 2020 में एक घटाने से, मतलब न्यूमरेटर में जो चल रहा था 2020 का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या है तो ये 2020 में एक जोड़कर हमने स्क्वायर किया और प्लस यहां पर 2020 में एक घटा के हमने स्क्वायर किया और यहां पे माइनस का 2 हमने कर दिया, यही। अब ये जो फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर और a प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर से बन रहा है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर हमने क्या देखा था 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देखा था, तो अगर इसमें हम फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या मिलेगा हमें, यह हो जाएगा आपका न्यूमरेटर तो एज इट इज रहेगा 2020 का होल स्क्वायर, इन दोनों में a और b क्या है, a आपका 2020 है b आपका 1 है, तो 2 अलग से निकल जाएगा, आगे a का स्क्वायर आएगा यानी 2020 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में आ जाएगा 1 का स्क्वायर, माइनस में आपका 2 है, माइनस में आपका 2 है, तो कुल मिला के अगर देखा जाए मैं इस ब्रैकेट को अगर खोल दूं तो यहां पर ये जो ब्रैकेट है 2 जो है इससे भी मल्टीप्लाई होगा और 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, कहने का मतलब ये जो वैल्यू है ये बन जाएगा आपका 2 इंटू यहां पर 2020 का स्क्वायर है और ये 2 बन जाएगा यहां पे, ठीक है, तो ये 2 जो है इस 2 से कट जाएगा, कुल मिला के जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 2020 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2020 का स्क्वायर, तो ये जो 2020 का स्क्वायर है इस 2020 के स्क्वायर को काट देगा, उत्तर जो बच रहा है वो 1/2 बच रहा है, ठीक। तो कुछ चीजें यहां पर एक्सप्लेनेशन के तौर पर मैंने लिखा है, कुछ चीजें आप मेंटली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एक बार ये स्टेप आ गया तो आगे की चीजों को आप मेंटली भी कैलकुलेट करके आंसर मार्क कर सकते हैं, ठीक।
ये जो सवाल है ये आपका लेटेस्ट SCHSL का जो एग्जाम हुआ था 2019 में, उसमें से सवाल ये वाला आया हुआ था, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट पैटर्न भी बन जाता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3AB प्लस BC प्लस CA, इसके फॉर्मेट में यानी ए प्लस बी प्लस सी के होल क्यूब के फॉर्मेट में ये सवाल आया था, तो ये क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके CHSL के पर्सपेक्टिव से। तो इस सवाल में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहली बात यहां पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस कुछ चल रहा है नीचे, तो बहुत आसान सी बात है कि नीचे वाला वैल्यू जो है 0.1 का होल स्क्वायर 0.2 का होल स्क्वायर प्लस 0.23 का होल स्क्वायर प्लस 2AB 2 इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 0.04 आएगा, 2BC तो 0.2 और 0.3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 0.06 आएगा, उसमें दो मल्टीप्लाई करने पे 0.12 आएगा, 2CA 0.1 और 0.3 को मल्टीप्लाई करने पे 0.03 बनेगा, दो मल्टीप्लाई करने से यार है, मतलब कहीं ना कहीं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो सेट है नीचे डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर बन जाएगा आपका 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.3 का होल क्यूब। ठीक, न्यूमरेटर की अगर हम बात करते हैं तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब तो ठीक था, आगे क्या है तो 3A प्लस बी बी प्लस सी प्लस सी, लेकिन यहां आप देखोगे तो 3 और यहां पे कुछ और ही वैल्यू चल रहा है, तो एक बार हम ये चेक कर लेते हैं और कंफर्म कर लेते हैं क्या कि 3A प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए और यहां से जो वैल्यू आ रहा है क्या ये दोनों बराबर है कि नहीं है। ठीक, इसको एक बार कंफर्म कर लेते हैं, तो 3 into A plus B का मतलब क्या है, 3 into A plus B का मतलब इन दोनों को जोड़ना तो 0.3 आएगा, बी प्लस सी का मतलब क्या है तो दूसरे और तीसरे को जोड़ना मतलब 0.5, सी प्लस ए का मतलब क्या है तो पहले आखिरी को जोड़ना मतलब 0.4। ठीक है, अब इसका वैल्यू क्या आएगा तो 0.9 बन जाएगा, इसका वैल्यू क्या आएगा तो 2 और दो डेसिमल है तो 0.02 बन जाएगा, सॉरी 20 आएगा, 20 का मतलब दो डेसिमल लगाओगे तो 0.2 बनेगा। ठीक, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 18 आता है तो दो डेसिमल है तो 0.18 आएगा, मतलब कि ये 3 into A plus B into B plus C into C plus A का वैल्यू है 0.18। एक बार बस आपको ये कंफर्म करना है कि इसका वैल्यू भी 0.18 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो फटाफट एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं, ये 5 और 16 जुड़ेगा 21 आएगा, 21 को 27 पे जोड़ोगे तो 48 आएगा, मतलब 3 into 0.048 है प्लस आगे 0.036, इसको मल्टीप्लाई करने पे 0.144 बनता है प्लस 0.36 है, सॉरी 0.036 है, 144 में 36 जोड़ोगे तो 180 बनता है, मतलब 180 तो आ रहा है और साथ में तीन डेसिमल है तो 0.018 बनेगा। हमने ये देख लिया कि यहां भी 0.018 है और फॉर्मूला में जो 3A plus B into B plus C into C plus A होता है ए प्लस बी प्लस सी के होल क्यूब में, उसमें इसके आगे का वैल्यू जो है इसके बराबर है, मतलब कुल मिलाकर जो न्यूमरेटर था उस न्यूमरेटर में जो वैल्यू दिया हुआ है वो कुछ और नहीं है, वो ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब है। ठीक है, तो इसका वैल्यू देख लेते हैं कि कितना आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब मतलब 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.3 का होल क्यूब, तो ऊपर क्यूब है और सॉरी ये स्क्वायर था ना, ये स्क्वायर होगा तो इन दोनों को काटने पर ऊपर एक ही वैल्यू बचेगा 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.3 जो कि हो गया 0.6। अब ये 0.6 क्या है तो A का वैल्यू है, हमसे पूछ रहा था 60A का वैल्यू, क्या पूछ रहा था 60A का वैल्यू, तो 60 में A मल्टीप्लाई करोगे 0.6 तो 36 आएगा 36, क्योंकि 6 से मल्टीप्लाई करने पर 360 आएगा, एक डेसिमल है तो एक डेसिमल में एक जीरो हट जाएगा, तो सी इस सवाल का सही उत्तर। तो अब हम इस वीडियो को यहां रोकते हैं, सिंप्लीफिकेशन का भाग दो अभी बचा हुआ है जो आने वाले समय में इसी हफ्ते के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हफ्ते के एंड में आपको जो पढ़ाया गया है इसका आपको अगर PDF चाहिए और शॉर्ट नोट्स चाहिए, यानी कि जो क्लास में हमने पढ़ाया उसका नोट्स, साथ में इससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहां पे आप जाके ज्वाइन करें, टेलीग्राम चैनल में सारे PDF प्रोवाइड कराए जाएंगे, और जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी ज्वाइन करिए जो कि आपका डाउट सॉल्वर ग्रुप है, जो भी हम पढ़ा रहे हैं या प्रैक्टिस शीट आपको जो प्रोवाइड कराई जा रही है उससे रिलेटेड जो भी डाउट है आप वहां पे पूछ सकते हैं, तो उसको हम वीडियो के माध्यम से आपको उसका जवाब देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को यहां रोकते हैं, थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए
और अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक बटन जरूर दबाइए और शेयर करिए सभी दोस्तों के साथ, क्योंकि आपके लाइक और आपके शेयर से हमारा मोटिवेशन हाई रहता है। थैंक यू सो मच, इस वीडियो में इतना ही।